Hello friends, welcome to Study for Civil Services. Today is 28th of December 2018 and friends, ये current affairs का all-in-one video है. यहाँ पर हम लोग काफी सारे newspaper जैसे कि The Hindu, Indian Express, Times of India और even PIB reports के साथ साथ उसके current affairs को discuss करते हैं. And guys, ना ही सिर्फ current affairs, इस video में आपको editorials भी मिलता है और साथ ही साथ video के end में कुछ multiple choice questions की भी practice करते हैं. एंड फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बिकॉज यहां पर सिर्फ वही न्यूज को डिस्कस किया जाता है जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट होती है. सो गाइज, ट्यूटोरियल को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को हमारे पेड ग्रुप के बारे में बता देता हूं. आप लोग हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं. यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन और काफी सारे स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए हमारे पेड ग्रुप अवेलेबल हैं और इवन हमारे ऑप्शनल कोर्सेज भी गाइज अवेलेबल हैं जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं. कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए. और सेकेंडली गाइज, काफी लिमिटेड बैच है हम लोगों का, तो जल्द से जल्द अपनी सीट जो है वो बुक कर लीजिए. और इसमें आपको क्या क्या सर्विसेज मिलती है उसको मैं आपको बता देता हूं. जैसे कि आपको पूरा प्रॉपर स्टडी मटेरियल दिया जाता है, वॉइस मैसेजेस के थ्रू आपकी क्वेरी सॉल्व की जाती है, आपको पर्सनल गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है, स्ट्रेटेजी शेयर की जाती है कि किस प्रकार से एग्जामिनेशन को क्रैक करना है. तो गाइज, फटाफट ज्वाइन कीजिए ग्रुप को अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं तो. बाकी मैं आपको बता दूं कि आप ये वाला जो वीडियो देख रहे हैं ऑल इन वन वीडियो करंट अफेयर्स का, इसकी इंग्लिश और हिंदी दोनों में हम लोग पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड कराते हैं और ये पीडीएफ सिर्फ हमारे पेड ग्रुप मेंबर्स के लिए ही अवेलेबल है. दोस्तों, सबसे पहले हम लोग करंट अफेयर्स की न्यूज को डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर एडिटोरियल और उसके बाद फिर कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे. गाइस, पहली न्यूज में बात की जा रही है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV के बारे में. तो देखिए, अभी तक आपने PSLV सुना होगा, पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. तो गाइस, अब जो है SSLV का डिजाइन जो है वो कंप्लीट हो चुका है. इसरो के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो कि केरला में हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो वहां पर इसका डिजाइन जो है वो कंप्लीट हो गया है. तो इस चीज को आप लोग को ध्यान में रखना है. तो SSLV दोस्तों एक बेबी रॉकेट है जिसको स्पेशली जो स्मॉल सैटेलाइट्स हैं उसको लॉन्च करने के लिए डिजाइन किया गया है. बोला जा रहा है कि लो अर्थ ऑर्बिट में 500 केजी तक का पेलोड जो है ये इसकी कैपेसिटी हम लोग को देखने को मिलेगी. सन सिंक्रेनस ऑर्बिट में 300 केजी का पेलोड कैपेसिटी इसका हम लोग को देखने को मिल रहा है और बहुत ही क्विकली जो है गाइज ये स्पेस में पहुंच जाएगी, ये वाली चीज बताई जा रही है. इसका जो मेजर एम है उसके बारे में बात करें तो देखिए, स्मॉल सैटेलाइट को कमर्शियल बेसिस पर लॉन्च करना जो है इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, इसीलिए ये स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बना है. इस स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से जो छोटी सैटेलाइट्स होंगी वो बहुत ही जल्दी स्पेस में जो है वो पहुंच जाएंगी. और सेकेंडली मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज इकोनॉमी. जो इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो गाइज इसमें सिर्फ मात्र PSLV के अकॉर्डिंग सिर्फ 10% खर्चा लगता है. पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को बनाने में जितना खर्चा लगता है गाइज, उसका मात्र 10% खर्चा SSLV को बनाने में लगता है. तो भी ये बहुत अच्छी चीज है, मतलब कॉस्ट इफेक्टिव चीज हम लोग को देखने को मिल रही है. साथ ही साथ मात्र 15 दिन के अंदर इसका डिजाइन तैयार हो जाता है और बहुत ही कम लोगों की मदद से ये सैटेलाइट जो है वो बनाई लॉन्च व्हीकल जो है वो बना दिया जाता है. इसमें भी सेम हम लोग को 3 सॉलिड मोटर स्टेजेस दिखने वाली है जो कि PSLV और GSLV में हम लोग को दिखती है. सेम वैसे ही इसका बेसिकली फीचर्स है जिसके जरिए मल्टीपल सैटेलाइट्स को जो है वो लॉन्च किया जाता है एक ही बेसिकली लॉन्च व्हीकल से. एक लॉन्च व्हीकल से मल्टीपल सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा और इसमें भी सेम वही फीचर है. तो ये बहुत ही शानदार चीज है गाइज. और इसमें एक और शानदार चीज जो है वो ये है कि ये बोथ वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों जाती है. हमने देखा है कि जो PSLV और GSLV है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की तरफ हम लोग को देखने को मिलती जाती हुई, बट इसमें हम लोग को देखने को मिलेगा ये स्ट्रेट भी जाएगी और साथ ही साथ इस डायरेक्शन में भी जाएगी. तो ये वाली चीज भी हम लोग को देखने को मिल रही है जो कि काफी खास है, जो कि PSLV और GSLV में नहीं है. राइट, तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो ध्यान में रखिएगा. यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में ये वाली चीज पूछी जा सकती है, खास तौर से स्टेटमेंट वाइज. इसके फीचर जो होते हैं वो स्टेटमेंट वाइज पूछे जाते हैं, तो हर एक चीज पर हम लोग को फोकस करना है. ओके दोस्तों, नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में यहां पर बात की जा रही है, इनके स्पेशली घर के बारे में, जिन्ना हाउस के बारे में. तो पहले तो बात करते हैं मोहम्मद अली जिन्ना कौन है. तो यू ऑल नो अबाउट इट कि मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो पाकिस्तान के फाउंडर है ना. हम लोगों को पता है कि इंडियन करेंसी में किसकी फोटो है, महात्मा गांधी जी की. पाकिस्तानी करेंसी की बात करें तो उसमें किसकी फोटो है, मोहम्मद अली जिन्ना की. तो गाइस, 1930 के समय में मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो मुंबई में रहा करते थे. इनका घर था मुंबई में जिसका नाम था जिन्ना हाउस के नाम से जाना जाता है ये. राइट, यहां पर ये रहते थे. ये घर कहां पे था जिन्ना हाउस, ये मालबार हिल्स में था मुंबई में. अभी बहुत समय से पाकिस्तान जो है ये क्लेम कर रहा है कि जिन्ना हाउस की ओनरशिप जो है वो पाकिस्तान की है. पाकिस्तान चाह रहा है कि यहाँ पर जो है इंडिया के अंदर मुंबई में जो जिन्ना हाउस है वहाँ पर ये मुंबई कंसुलेट बनाएगा. तो अपना कंसुलेट बनाने के लिए ये बोल रहा है कि ये जगह जो है उसको हैंड ओवर कर दी जाए. बट इंडिया ने
पाकिस्तान के क्लेम को जो है वो रिजेक्ट कर दिया है, बोला है कि यहां पर जो है वो पाकिस्तान का कोई क्लेम नहीं है, ये इंडियन टेरिटरी के अंदर आती है, हम जिन्ना हाउस को पाकिस्तान को नहीं देंगे कोई कंसुलेट वगैरह बनाने के लिए, यहां पर ऑफिशियल इवेंट्स के लिए इस घर को जो है वो यूज किया जाएगा। ये वाली बात जो है वो इंडिया के द्वारा बोली गई है, कुछ चीजें जो है वो ये वाली आप ध्यान में रखिएगा। सेकेंडली मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गाइस, जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछी जा सकती है, जिन्ना हाउस जो है उसको किसने डिजाइन किया है, तो फ्रेंड्स क्लॉड बैटले जो है, जो कि एक आर्किटेक्ट है, उन्होंने यूरोपियन स्टाइल में इस घर को जो है वो डिजाइन किया था। तो ये चीज आप लोग को थोड़ा माइंड में फीड कर लेना है। ऑलराइट दोस्तों, यहां पर देखने को मिल रहा है कि नीति आयोग के द्वारा एक रिसेंटली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स जो है वो रिलीज किया गया है। ये पहला ऐसा इंडेक्स है गाइस जिसके थ्रू एम किया जा रहा है कि जो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है उसको अचीव किया जाए जल्द से जल्द। तो ये एक तरह का, मैं सिंपल लैंग्वेज बताऊं तो एक तरह का रिपोर्ट कार्ड है। इसमें क्या किया है, हमारी इंडियन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं वो किस हिसाब से कंट्रीब्यूट कर रही हैं इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए। तो इस बेसिक इस चीज को ध्यान में रखते हुए ये इंडेक्स रिलीज किया गया है। पहले बात करते हैं यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में। तो गाइज इसके बारे में पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, टोटल 17 गोल्स हैं एसडीजीज, जिसका टारगेट है कि 2030 तक इन पूरे गोल्स को जो है वो कंप्लीट करना है ना। अब इस इंडेक्स के थ्रू क्या होगा, सभी स्टेट्स को जो है वो अपनी पोजीशन पता लगेगी कि वो स्टेट जो है वो कितना कंट्रीब्यूट कर रही हैं इस टारगेट को अचीव करने के लिए। और इस रैंकिंग जो सामने आई है गाइस, उसमें ये पता लगा है जो लोएस्ट स्टेट्स वगैरह है जिनकी रैंकिंग काफी कम है वो अपनी रैंकिंग को इंप्रूव करेंगी और वो दूसरे स्टेट के साथ जो है वो कंपीट करेंगी। तो उससे क्या होगा, अल्टीमेटली जो गोल डिसाइड किया गया है कि 2030 में जो ये टारगेट फिनिश करना है 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का, तो वो आसानी से फिनिश हो जाएगा क्योंकि इनको जो है वो अपनी पोजीशन पता लग जाएगी कि ये कौन सी पोजीशन पे हैं। और आज की डेट में लग चुकी है, सबसे पहले जो हाईएस्ट रैंकिंग जिन स्टेट्स की हैं वो है हिमाचल प्रदेश, केरला और तमिलनाडु, जिसके बारे में मैंने आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी पूछा था। राइट, तो ये हाईएस्ट स्टेट्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। और टोटल गाइस बताया जा रहा है कि जितनी भी हमारी इंडियन स्टेट्स हैं उनका स्कोर या फिर जो जो रेंजेस हैं स्कोर रेंज वो 42 से 69 के बीच में देखने को मिला है और यूटी का 57 से 68 के बीच में हम लोग को देखने को मिला है। इंडिया के एवरेज स्कोर की बात करें तो 57 इंडिया का स्कोर है, 0 से लेकर 100 तक का स्कोर जो है गाइस वो मेंशन किया हुआ है, यानी कि 0 यानी कि लीस्ट और 100 यानी कि अच्छा बेहतर जो है वो परफॉर्म कर रहा है। तो ओवरऑल इंडिया का एवरेज जो 57 है उससे ये पता लग रहा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए इंडिया जो है ऑन एन एवरेज अच्छा स्कोर कर रहा है, यानी कि अभी जो है वो इंडिया को मात्र 43% की आवश्यकता है पूरे गोल को अचीव करने के लिए। राइट, मतलब कंप्लीट पूरे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो टारगेट है उसको अचीव करने के लिए 43 रेंज जो है या स्कोर जो है उसको और पुश करना पड़ेगा और कंप्लीटली जो है ये हो जाएगा। तो यानी कि कहीं ना कहीं अच्छी कंडीशन में हम लोग आज की डेट में दिखाई दे रहे हैं इस टारगेट को अचीव करने के लिए। तो ये वाली बात हम लोग को यहाँ पर देखने को मिली। आई होप कि आपको पूरी चीज़ें क्लियर हो गई होगी इस इंडेक्स के बारे में, और इस इंडेक्स का क्या मेजर ऑब्जेक्टिव है वो मैंने आप लोग को ऑलरेडी समझा दिया है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट न्यूज़ में बात की जा रही है बोगी बिल ब्रिज के बारे में। बोगी बिल ब्रिज, तो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस टॉपिक इन अवर एमसीक्यू, बट वो सफिशियंट नहीं था मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखना जरूरी है इस ब्रिज के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट ब्रिज है, एग्जामिनेशन में 120% इस ब्रिज के बारे में क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा क्रिसमस डे वाले दिन 25 दिसंबर वाले दिन इस ब्रिज का उद्घाटन किया गया था, बोगी बिल ब्रिज का। कहां पे है ये ब्रिज, तो ये ब्रिज आसाम में है। कौन सी नदी के ऊपर है, तो ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर है। इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज फ्रेंड्स ये इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट रेल रोड ब्रिज है। इजी वे में बात करूं, कई सारे लोग जो है वो कंफ्यूज रहेंगे कि ये ब्रिज कौन सा है रेल रोड। आपको अगर दिमाग में याद रखना है तो बोगी याद रखिएगा। बोगी क्या होता है, बोगी का मतलब ट्रेन की जो कोचेस होते हैं उसको हिंदी में बोगी बोलते हैं। बोगी से आप समझ जाओगे कि ये रेल रोड ब्रिज है। राइट, तो दिस इज गाइज रेल रोड ब्रिज, दैट इज बोगी बिल ब्रिज। ये रिवर ब्रह्मपुत्र के ऊपर सिचुएटेड है, और सेकेंडली डिब्रूगढ़ और धीमाजी डिस्ट्रिक्ट जो है असम की उसको दोस्तों ये कनेक्ट करेगा, ये वाली बात बोली जा रही है। यहाँ पर बहुत ही शानदार इस ब्रिज को बनाने के लिए टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग लगाई गई है। ये यूरोपियन वेल्डिंग स्टैंडर्ड्स के द्वारा बनाया गया इंडिया का पहला ब्रिज है दोस्तों। पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि यूरोपियन वेल्डिंग स्टैंडर्ड्स के तौर पर एक ब्रिज जो है वो लोकेट किया गया है, कंस्ट्रक्ट किया गया है। राइट, असम और अरुणाचल प्रदेश के डिस्टेंस को जो है ये काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस कर देगा। यहाँ के लोग हैं उनके लिए ईज ऑफ लिविंग को एनहेंस करेगा, जैसे कि डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट जो है गाइज असम की, वहाँ पर हेल्थ केयर, एजुकेशन और कॉमर्स फैसिलिटीज़ बहुत ही अच्छी क्वालिटी में हम लोग को देखने को मिलती है।
बट नॉर्थ ईस्ट रीजन की बात करें और भी थोड़े मतलब डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट से ईस्टर्न साइड एरियाज वगैरह की बात करें तो वहाँ के लोगों को ये फैसिलिटीज जो है वो नहीं मिल पाती, जैसे स्पेशली जो लोग नदर्न पार्ट ऑफ ब्रह्मपुत्र रीजन में रह रहे होंगे तो उनको ये एक्सेस जो है वो नहीं मिल पाता था, बट अब इस ब्रिज के आने के कारण उनको एक्सेस जो है वो प्रॉपर तरीके से मिल जाएगा और उनकी लाइफ जो है वो बहुत ही कन्वीनियंट हम लोग को देखने को मिलेगी। तो ये एक ईज ऑफ लिविंग को भी एनहेंस करेगा। इस ब्रिज की लेंथ कितनी है तो यू शुड नो अबाउट इट कि ये 4.94 किलोमीटर लंबा ये ब्रिज है और इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज है। सेकेंडली फ्रेंड्स, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जब इस ब्रिज का उद्घाटन किया था तब उस समय एक पैसेंजर ट्रेन को भी झंडी इन्होंने दिखाई थी और ये पैसेंजर ट्रेन जो है वो इस ब्रिज से होती हुई गुजरी थी। तो ये वाली चीज़ भी थोड़ी सी जनरल इन्फॉर्मेशन आपको पता होना जरूरी है। थोड़े से बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे तो फ्रेंड्स, ये बोगीबिल ब्रिज जो है उसका एग्रीमेंट गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था 1985 में, जिसको बोलते हैं 1985 एग्रीमेंट या फिर 1985 असम एकॉर्ड के अंदर भी ये आता है, उसका ये एक पार्ट है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। इस ब्रिज को सैंक्शन कर दिया गया था 1997 और 1998 के दौरान और आज की रेट में देखने को मिल रहा है कि ये ब्रिज जो है वो बनके तैयार हो गया है, इसको फाइनली जो है वो उद्घाटन कर दिया गया हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। इसका सर्विसेबल पीरियड जो है गाइज वो बोला जा रहा है कि अराउंड 120 ईयर्स का है, तो ये भी चीज़ थोड़ी सी ध्यान में बस रखिएगा। सो दिस इज द कंप्लीट न्यूज अबाउट बोगीबिल ब्रिज, बहुत अच्छे से याद रखिएगा पूरी चीज़ें, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस न्यूज़ में बात की जा रही है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की एक स्टडी के बारे में जिसको अभी रिसेंटली रिलीज किया गया है और ये रिलीज इसलिए किया गया है बिकॉज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है वो इनको इंस्ट्रक्शन किए गए थे कि इस रिपोर्ट को जो है वो पब्लिक कर दिया जाए। तो फ्रेंड्स, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ अपने माइंड में क्लियर कर लीजिए, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ये जो रिपोर्ट है ये अभी तो रिलीज हो रही है बट ये रिपोर्ट है 2010 की, राइट? आपसे जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन वाइज जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं सी सेट पैटर्न में, तो उसमें आपको दो ऑप्शन दिए जाएंगे। एक ऑप्शन में शायद लिखा रह सकता है कि ये रिपोर्ट जो है वो अभी रिलीज हुई है और दूसरे ऑप्शन में लिखा जा सकता है कि ये रिपोर्ट जो है वो 2018 की है। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, अभी तो रिलीज हुई है दैट इज़ करेक्ट और 2018 की ये रिपोर्ट नहीं है, दैट इज़ इनकरेक्ट, ये रिपोर्ट जो है वो 2010 की है, राइट? तो इस स्टडी का नाम है मोबाइल टॉवर इंस्टॉलेशन इन इंडिया एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंट। तो फ्रेंड्स, कई सारे आर्टिकल्स आपने पढ़े होंगे जिसमें ये चीज़ सामने आई थी कि मोबाइल टावर जो होती है उससे काफ़ी सारे रेडिएशन निकलते हैं जिसके कारण से एनवायरमेंट को हार्म होता है, ह्यूमन बॉडी को हार्म होता है ना, काफ़ी सारे पढ़े होंगे आपने। तो फ्रेंड्स, CPCB की इस रिपोर्ट के थ्रू ये चीज़ सामने आ रही है कि मोबाइल टावर से निकलने वाले जो रेडिएशंस होते हैं वो ह्यूमन हेल्थ की बॉडी पे इम्पैक्ट नहीं करते, उसका कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट ह्यूमन हेल्थ पे या एनवायरनमेंट पे नहीं देखने को मिलता है, ह्यूमन पर्सन को जो है वो उसकी हेल्थ को हार्म नहीं करते हैं, ये वाली चीज़ सामने आई है। इसके कुछ हाइलाइट्स के बारे में डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए, इसमें बोला गया है जो इंटरनेशनल कमीशन ऑन नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन प्रोटेक्शन के द्वारा जो स्टैंडर्ड्स लिमिट सेट की गई थी, जो सेफ्टी लिमिट सेट की गई थी रेडिएशन वगैरह की, सेलफोन रेडिएशंस की, तो उस लिमिट को स्टडी जब किया गया तो उस लिमिट के अकॉर्डिंग समझ में आ रहा है कि इस लिमिट के अंदर किसी भी प्रकार का हार्म जो है वो ह्यूमन बॉडी को नहीं पड़ेगा। तो ये वाली चीज़ सामने आई है। ये जो बॉडी है ICNIRP, तो इसके बारे में मैंने डिटेल में एक स्लाइड रखी हुई है, उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, इसको थोड़ी देर से समझेंगे, पहले भी रिपोर्ट पर ध्यान देते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ उन्होंने पहली चीज़ तो ये बोली कि ये जो ICNIRP की जो स्टैंडर्ड्स लिमिट्स वगैरह हैं जो उन्होंने सेट करी है, उस लिमिट के अकॉर्डिंग जो रेडिएशन निकलता है वो रेडिएशन ह्यूमन बॉडी या एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करेगा। सेकेंडली, इस रिपोर्ट ने एक चीज़ एडमिट ये भी करी है कि जो इन्होंने सेफ्टी स्टैंडर्ड का जो चेक किया है, जो रिजल्ट जो सामने लेके आए हैं, वो थर्मल इफेक्ट के ऊपर बेस्ड है, ये नॉन थर्मल इफेक्ट्स के ऊपर बेस्ड नहीं है। यानी कि इन्होंने चेक किया है कि जो थर्मल इफेक्ट होते हैं, थर्मल से हमें समझ में आ रहा है कि गर्म वाला इफेक्ट, जो रेडिएशन के कारण जो बॉडी गर्म हो जाती है जिसके कारण सेलुलर और साइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, वो चेंजेस जेनेटिक डिफेक्ट्स या फिर रिप्रोडक्शन के इफेक्ट्स में या डेवलपमेंट में हम लोग को देखने को मिलते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है उसके बिहेवियर को भी ये डैमेज कर देते हैं, उसको भी इफेक्ट करते हैं, राइट? तो हीट के कारण ये सब एक्टिविटीज़ हम लोग को ह्यूमन बॉडी में देखने को मिलती हैं जिसको हम लोग बोलते हैं थर्मल इफेक्ट। तो फ्रेंड्स, बोला गया है कि जो माइक्रो वेव रेडिएशन के कारण जो थर्मल इफेक्ट क्रिएट होता है, तो बोला गया है कि यहाँ पर थर्मल इफेक्ट क्रिएट नहीं हो रहा है जो कि ह्यूमन बॉडी या एनवायरनमेंट को हार्म करेगा। तो ये वाली चीज़ इन्होंने बोली है, बट ये भी बोला गया है कि इन्होंने नॉन थर्मल इफेक्ट को जो है वो इग्नोर कर दिया है। तो नॉन थर्मल इफेक्ट्स गाइज ऐसे इफेक्ट्स होते हैं जो कि हम लोग की बॉडी में हीट तो क्रिएट नहीं करते हैं बट उसके कुछ जो रेडिएशंस होते हैं गाइज नॉन थर्मल इफेक्ट के, जो रेडिएशन जो हम लोग को देखने को मिलते हैं जो बॉडी में एंटर करते हैं, तो वो बॉडी को हीट तो नहीं करेंगे बट ये बॉडी को डैमेज जरूर कर देंगे। इसके कारण फटीग होगी, चक्कर आने लगेंगे, इरिटेशन होगी, हेडेक होगा,
नौजिया होगा, एपेटाइट में लॉस हम लोग को देखने को मिलेगा, बार बार भूख लगने लगेगी, इस तरह की चीज़ें हम लोग को देखने को लगेगी, जो हंगर जो होगी वो खत्म होने लगेगी, किसी इंसान की भूख बढ़ेगी किसी इंसान की भूख नहीं बढ़ेगी, तो इस प्रकार के अजीब से साइड इफेक्ट जो है वो देखने को मिलेंगे, लोगों की स्लीप डिस्टर्बेंस होने लगेगा लोगों में, और इस प्रकार की जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जो है, मेमोरी लॉस होती है, कॉन्सेंट्रेशन करने में डिफिकल्टीज जो होती है, जो लोग ध्यान नहीं लगा पाते एक पर्टिकुलर चीज़ में, फोकस नहीं कर पाते, तो ऐसे कुछ रिजल्ट जो है गाइज ये नॉन थर्मल इफेक्ट्स के कारण देखने को मिलते हैं। तो स्टडी ने ये बताया है कि इसने नॉन थर्मल इफेक्ट्स को जो है वो इग्नोर कर दिया है, इसने सिर्फ फोकस किया है थर्मल इफेक्ट्स पे, यानी कि ये वाली चीज़ पे, और हालांकि देखें तो आज की डेट में नॉन थर्मल इफेक्ट्स भी गाइज बहुत भारी मात्रा में लोगों के अंदर देखने को मिल रहे हैं। काफ़ी सारे लोग हैं जिनको कॉन्सेंट्रेशन की आज की डेट में प्रॉब्लम है, जिनको स्लीप डिस्टर्बेंस होता है, नींद प्रॉपर टाइम पे नहीं आ रही है, इस प्रकार की चीज़ें होती है, भूख की जिनको प्रॉब्लम है काफ़ी ज़्यादा, किसी इंसान को भूख नहीं लग रही, किसी इंसान को बहुत ज़्यादा लग रही है, काफ़ी सारे लोग हेडेक की प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, है कि नहीं, आज की डेट में ये सब चीज़ें देख रहे हैं। तो ये वाली चीज़ को जो है वो इस रिपोर्ट ने इग्नोर किया है, और साथ ही साथ इस CPCB का कहना भी ये है कि इसके ऊपर फर्दर रिसर्च जो है वो करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, नेशनल बेसिस पे भी और इंटरनेशनल बेसिस पे भी, तो इस पे जो है वो रिसर्च की आवश्यकता जो है वो बताई गई है, और स्पेशली फोकस किया गया है कि नॉन थर्मल इफेक्ट्स पे, तो इस पे जो है वो रिसर्च नहीं की गई है और इस पे रिसर्च करना जरूरी है। तो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग आप नॉन थर्मल इफेक्ट्स के बारे में काफ़ी अच्छे से चीज़ें जो है वो ज़रूर लिखिएगा। और गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2010 की ये रिपोर्ट है, और आज की डेट में 2015 की बेसिकली बात करें अगर, तो अभी तो 2019 चल रहा है, तो 2015 में डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन जो है वो कुछ नए नॉर्म्स और रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो लेके आई थी मोबाइल फ़ोन टावर्स के रेडिएशन के ऊपर, और जिसको सितंबर 2015 में जो है वो लागू कर दिया गया था। तो ये पुराने नॉर्म्स और रेगुलेशन के ऊपर बेस्ड ये पर्टिकुलर रिपोर्ट थी, अब जो नए नॉर्म्स और रेगुलेशन जो है वो 2015 में रिलीज किए गए हैं, अभी 2019 चल रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी जो है वो हम लोग को देखने को मिल रही है, तो उसके क्या इफेक्ट्स हैं, कुछ क्या इफेक्ट्स हैं कि नहीं है, तो वो सब चीज़ें जो है वो प्रॉपर तरीके से स्टडी नहीं किया गया है, तो इसीलिए बोला गया है कि उस पर स्टडी करने की सख्त आवश्यकता है। ऑलराइट, तो आई होप कि पूरी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं इंटरनेशनल कमीशन ऑन नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन प्रोटेक्शन के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये बेसिकली एक तरह का इंटरनेशनल कमीशन है जो कि क्या करता है, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन प्रोटेक्शन जो है उस पर स्पेशलाइजेशन करता है। इसके जो कुछ काम इस प्रकार के हम लोग को देखने को मिलते हैं, जो सेल फोन जो होते हैं जिससे जो रेडिएशन वगैरह निकलता है, एक्सपोजर वगैरह निकलता है, तो उसको डिटरमाइन करता है कि उसमें कितना रेडिएशन निकल रहा है और क्या बेसिकली स्टैंडर्ड है जो कि ह्यूमन हेल्थ और एनवायरनमेंट के लिए सेफ हो। तो उसी के अकॉर्डिंग ये क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स का जो लिमिट जो है वो सेट करता है, जो कि सेल फोन्स के अंदर हम लोग को देखने को मिलती हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स वगैरह होती हैं, राइट, जिसको रेडिएशन हम लोग बोलते हैं कॉमनली। तो जो रेडिएशन होती है, तो एक सेल फोन के अंदर से कितना रेडिएशन निकलना चाहिए, तो ये स्टैंडर्ड्स जो है ये सेट करता है। तो इसीलिए ये नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन प्रोटेक्शन में स्पेशलाइज्ड है, राइट। 1992 में इसका फाउंडेशन देखने को मिला था हम लोगों को, इंटरनेशनल रेडिएशन प्रोटेक्शन एसोसिएशन के द्वारा इसको फाउंड किया गया था। ये एक इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी शुरुआत जर्मनी में हुई थी दोस्तों, तो ये जर्मनी का है, तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना है। इसका मेजर मिशन जो है वो आप ऑलरेडी समझ ही चुके होंगे कि जो रेडिएशन वगैरह जो है इसको दूर करना, रेडिएशन जो है उसके लिए लिमिट्स स्टैंडर्ड जो है वो सेट करना जिससे ह्यूमन हेल्थ और एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचे। तो ये कुछ इसके मिशंस वगैरह हैं, और इसके मिशन बेसिकली साइंटिफिक नॉलेज के ऊपर बेस्ड हम लोग को देखने को मिलते हैं, और जो कि रेडियो, माइक्रोवेव, अल्ट्रावायलेट और इन्फ्रारेड जैसे जो रेडिएशंस वगैरह होते हैं उससे निकलने वाले जो रेडिएशंस होते हैं उसकी कुछ गाइडलाइंस वगैरह जो है या फिर उसके प्रोटेक्शन गाइडेंस जो है ये प्रोवाइड कराता है, राइट। तो ये वाली चीज़ जो है वो आप लोग को थोड़ी सी ध्यान में रखनी है दोस्तों। इस न्यूज़ में बात की जा रही है कि मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के द्वारा एक स्ट्रेटजी एक्शन प्लान जो है वो रिलीज़ किया गया है, स्पेशली जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उनके एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि पूरी ओवरऑल इंडिया के अगर एक्सपोर्ट्स की बात करें तो पूरा ओवरऑल इंडिया का एक्सपोर्ट अच्छा खासा ग्रोथ कर रहा है, बट माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस जो है वो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस जो है वो फेस कर रहे हैं, क्योंकि उनको फॉरेन मार्केट में जो है वो एंट्री नहीं मिल रही है, और ये सब प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं बिकॉज उनके पास अवेयरनेस नहीं है, प्रॉपर गाइडलाइंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस उनको नहीं पता है कि फॉरेन मार्केट में कैसे उतरा जाए। तो उनके एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए, उनके प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए ये स्ट्रेटजी एक्शन प्लान जो है वो रिलीज़ किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा, एक एक करके हम लोग पूरे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, बोला गया है कि ये जो स्ट्रेटजी जो अभी हम लोग को देखने को मिल रही है, स्ट्रेटजी एक्शन प्लान, तो इसके थ्रू ना ही सिर्फ जो चैलेंजेस हैं उसको स्टडी किया गया है
बल्कि ये भी बोला गया है कि एक इकोसिस्टम जो है वो डेवलप करने की बात की गई है, जिसके थ्रू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को एक सपोर्ट मिले और वो अपने एक्सपोर्ट जो है उसको इंक्रीज कर सकें और वो अपनी लाइवलीहुड जो है वो बेटर तरीके से अर्न कर सकें। तो इस पर जो है वो यहाँ पर फोकस किया गया है, राइट। तो अब एक एक करके हम लोग इसके कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं, जैसे कि इसका एम क्या है। तो फ्रेंड्स, मिनिस्ट्री ने ये जो स्ट्रेटजी एक्शन प्लान प्रिपेयर किया है उसका मकसद ये है कि जो डेवलपमेंट है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का वो एक बेहतर तरीके से हो और उनके लिए एक सस्टेनेबल इकोसिस्टम को क्रिएट करने की यहाँ पर बात की है। इनके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे कि फाइनेंस जो है उसका मेजर इनका ऑब्जेक्टिव है। बोला गया है कि जो ट्रेड फाइनेंस है उनको अफोर्डेबल मिल जाए, यानी कि अगर इनको कोई लोन वगैरह चाहिए ट्रेड करने के लिए तो उनको अफोर्डेबल लोन्स वगैरह मिल जाए। टारगेट किया गया है कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो है वो 2020 तक करीब 100 बिलियन यूएस डॉलर्स का जो है वो एक्सपोर्ट करें, ये वाला टारगेट इनका है। साथ ही साथ बोला गया है जो इनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस की, तो वो भी एक बेहतर लेवल में एक्सपोर्ट हो, उनको हर एक चीज़ों का जो है वो नॉलेज मिले, इफेक्टिवली और एफिशिएंट तरीके से जो है वो अपने एक्सपोर्ट्स को जो है वो बढ़ाएं, इम्प्रूव करें अपने एक्सपोर्ट्स वगैरह को। और उसमें जो है इनकी सहायता करने वाली है गवर्निंग काउंसिल, तो इसको भी सेटअप करने की बात की गई है जो कि इनकी सहायता करेगी, इनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करेगी, इनके लिए अवेयरनेस क्रिएट करेगी कि किस प्रकार से एक्सपोर्ट करना है, फॉरेन मार्केट्स में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है इनके प्रोडक्ट्स की तो उसको बताएगी। कई बार ऐसे प्रोडक्ट्स जो होते हैं गाइस जो कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस बनाते हैं जो कि फॉरेन स्टैंडर्ड से मैच नहीं करते, जिसके कारण इनके प्रोडक्ट्स जो है वो या फिर इनकी सर्विसेज जो है वो रिजेक्ट हो जाती है फॉरेन मार्केट में, तो उनको गाइडलाइंस प्रोवाइड की जाएगी बेहतर तरीके से कि कैसे आपको एक्सपोर्ट करना है। कई सारे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जिनको पता ही नहीं कि कैसे एक्सपोर्ट किया जाता है, कैसे फॉर्म फिलअप किया जाता है, वो सब नहीं पता, तो उन सब चीज़ों के लिए एक गवर्निंग काउंसिल जो है वो सेट करने की बात की जा रही है। साथ ही साथ जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उनको ग्लोबल वैल्यू चेन के अंदर बोला जा रहा है इंटीग्रेट किया जाएगा, यानी कि इनके लिए एक इंटरनेशनल मार्केट इनको बना के दिया जाएगा। गवर्निंग काउंसिल जो है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाली है इस चीज़ में, तो गवर्निंग काउंसिल के बारे में आपको पता होना ज़रूरी है। फ्रेंड्स, ये इनके हेड जो होंगे वो होंगे बेसिकली सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के, सेक्रेटरी यानी कि एक आईएएस ऑफिसर जो है वो हेड करेंगे, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, राइट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो गवर्निंग काउंसिल है गाइस, तो इसमें काफ़ी सीनियर ऑफिशियल्स और मेंबर्स हम लोग को देखने को मिलेंगे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के, कॉमर्स के, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ ये सब मिनिस्ट्रीज वगैरह के, और एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के, एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के, कमोडिटी बोर्ड्स के, और भी कई सारी बॉडीज़ के यहाँ पर सीनियर ऑफिशियल्स और मेंबर्स हम लोग को देखने को मिलेंगे। बट जो बॉडीज़ यहाँ पर मेंशन है उसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा, राइट, जो कि हेल्प करने वाली है काफ़ी ज़्यादा माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की ग्रोथ के लिए। और गाइज, अब ये ओवरऑल पूरी चीज़ थी ये स्ट्रेटजी एक्शन प्लान की। अब हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या चैलेंजेस जो है वो फेस कर रहे हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, क्या क्या प्रॉब्लम्स आज की डेट में वो लोग फेस कर रहे हैं। तो देखिए, कॉमन प्रॉब्लम्स, वी ऑल नो अबाउट इट, कि उनको जो है वो पता ही नहीं है कि किस प्रकार से फॉरेन मार्केट्स के साथ डील करना है, कैसे उन जो है वो कनेक्ट करना है फॉरेन मार्केट्स के साथ, कैसे जो ओवरसीज कस्टमर्स होते हैं, जो फॉरेन कस्टमर्स वगैरह होते हैं उनके साथ कैसे कनेक्ट करना है, कैसे एक चैनल को क्रिएट करना है, तो ये एक बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम ये फेस करते हैं। सेकेंडली, इनके पास लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होती है प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में, जैसे कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था पिछली स्लाइड में, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से जो इनको किस प्रकार से रूल्स एंड रेगुलेशंस और स्टैंडर्ड्स जो हैं वो इनको बनाना है अपने प्रोडक्ट्स के। इनको इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं पता कि जो प्रोडक्ट्स है वो किस प्रकार से एंटर किया जाएगा। अगर कोई प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब होगी तो ऑब्वियसली बात है फॉरेन मार्केट जो है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो उस प्रोडक्ट की क्वालिटी के अनुसार उस प्रोडक्ट को जो है वो बनाना पड़ेगा इनको। तो ऐसी कुछ लिमिटेड इन्फॉर्मेशन इनके पास होती है। सेकेंडली, एक्सपोर्ट प्रमोशंस के बारे में इनके पास अवेयरनेस नहीं है, तो ये गवर्निंग काउंसिल जो है वो इन सब चीज़ों पे फोकस करेगी और इनको अवेयरनेस क्रिएट करवाएगी, जैसे कि इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट्स वगैरह जो होते हैं इनको उसके बारे में नहीं पता कि उसका फॉर्म कैसे फिलअप करना है, कैसे गेन करना है, ये सब चीज़ें, तो ये सब चीज़ों ये सब चीज़ें बताने का काम होगा गवर्निंग काउंसिल का, राइट। तो ये वाली चीज़ जो है वो हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल रही है। इनके पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी की कमी होती है, इनोवेशन वगैरह की कमी होती है, तो इन सब चीज़ों के कारण, जैसे कि पुअर पैकेजिंग भी एक बहुत बड़ा इशू होता है कि इनके जो पैकेजिंग मटेरियल्स होते हैं वो बहुत ही ख़राब होते हैं जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ मैच ही नहीं कर पाते, राइट। और साथ ही साथ इनको फाइनेंस नहीं मिलता, तो इसीलिए फाइनेंस भी इनके एक मेन टारगेट के अंदर, एम के अंदर जो है वो हम लोग को देखने को मिल रहा है। ये देखिए फाइनेंस, जो कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि इनको ईजिली जो है वो लोन मिल जाए ट्रेड करने के लिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं गाइस जिसको आप फोकस कीजिए, क्योंकि ये वाली चीज़ एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है। जैसे कि अगर हम लोग लॉजिस्टिक की बात करें तो लॉजिस्टिक सेक्टर के लिए इंडिया जो है वो आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर रहा है। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक लॉजिस्टिक पार्क जो है वो बनाया गया है अभी रिसेंटली, तो माय क्वेश्चन इज, अभी रिसेंटली
एक मेजर लॉजिस्टिक पार्क जो है वो इंडिया में कहां पर बनाया गया है, कौन सी स्टेट में बनाया गया है और वो किस प्रकार से हमें हेल्प करेगा। 50 वर्ड्स में इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख के बताइएगा। अभी वीडियो पॉज करके अगर चाहे तो इसका आंसर लिख लीजिए या फिर कहीं पर ये वाला क्वेश्चन लिख लीजिए और इसका आंसर बाद में जरूर दीजिएगा। तो यही वाली चीज़ है गाइस, आज की डेट में बोला गया है कि ये सब जो चैलेंजेस जो आज की डेट में एमएसएमई जो है वो फेस कर रहे हैं, उन चैलेंजेस को स्टडी किया जाए डिटेल में और उनके लिए एक इकोसिस्टम जो है वो क्रिएट करने की बात की जा रही है, जो कि इस ये हम लोग को देखने को मिल रहा है स्ट्रेटजी एक्शन प्लान के थ्रू जो है वो संभव हो पाएगा। तो ये वाली चीज़ सामने आ गई है, राइट। तो दिस इज द कंप्लीट न्यूज़ गाइस अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक। आई होप कि आपको पूरी चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर बात की जा रही है रायथू बंधु स्कीम के बारे में। तो फ्रेंड्स, रिसेंटली आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा और हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था कि जो लोन वेवर्स होते हैं, लोन की माफ़ी जो कर देते हैं, जैसे कि सरकार वगैरह आती हैं बोलती हैं कि किसानों के लोन जो है वो माफ़ कर दिए जाएंगे, तो ये लोन माफ़ जो होता है वो स्टेट के ऊपर, कंट्री के ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन बन जाता है, राइट। तो ये लोन वेवर जो है वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है किसानों के लिए। तो इसके ऊपर काफ़ी डिटेल में हमने डिस्कस किया था। तो उस समय जब हम लोगों ने डिस्कस किया था, तब हम लोगों ने देखा था कि जो हमारे फॉर्मर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर थे रघुराम राजन जी, तो उनके द्वारा ये स्टेटमेंट कहा गया था। इसके अलावा अभी रिसेंटली जो चेयरमैन है गाइस एसबीआई के, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, रजनीश कुमार जी, तो इनके द्वारा भी यही स्टेटमेंट कहा गया है कि जो लोन माफ़ी होती है, लोन वेवर जो होता है, वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है किसानों के लिए। तो इस चीज़ के ऊपर हम लोग काफ़ी डिटेल में डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट। तो आपको ओवरऑल पूरी चीज़ इसके बारे में पता है। सेकेंडली गाइस, आज की डेट में इन्होंने ये चीज़ बोली गई है कि जो तेलंगाना की रायथू बंधु स्कीम है वो एक बेटर इनिशिएटिव है इस चीज़ के लिए, मतलब अगर लोन वेवर आपको नहीं करना है तो इसके चलते आप रायथू बंधु स्कीम को अगर आप क्रिएट कर दोगे, पूरे लागू कर दोगे पूरे इंडिया के अंदर, तो ये आने वाले समय के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। ये वाली चीज़ हमारे सामने आई है। तो फ्रेंड्स, रायथू बंधु स्कीम क्या है? तो फ्रेंड्स, इसी साल 2018 के अगस्त महीने में तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा रायथू बंधु इन्वेस्टमेंट सपोर्ट स्कीम जो है फार्मर्स के लिए लॉन्च की गई थी। इन्वेस्टमेंट सपोर्ट स्कीम यानी कि ये फार्मर्स के इन्वेस्टमेंट में हेल्प करती है। इसको एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट सपोर्ट स्कीम भी कहा जाता है गाइस। तो इसमें बोला जाता है कि हर एक फार्मर को उसके इनिशियल इन्वेस्टमेंट नीड जो होती है उसकी, वो पूरी की जाती है। जैसे कि जिसके इनिशियल इन्वेस्टमेंट स्कीम जैसे क्या होती है, जैसे कि उसको सीड्स परचेस करना है, फर्टिलाइजर्स वगैरह लेने हैं, पेस्टिसाइड्स लेने हैं, लेबर्स जो है उसको रेंट पर रखना है उसको, और भी जैसे कई सारे दूसरे इन्वेस्टमेंट्स वगैरह होते हैं, तो उसके बारे में बात की गई है। उस इन्वेस्टमेंट को पूरा करने के लिए इस स्कीम के थ्रू हर एक फार्मर को 4,000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से दिए जाते हैं, और हर सीजन पे। अब क्या होता है, स्टार्टिंग में किसान के पास पैसा नहीं होता तो वो क्या करता है, पैसा किसी से लोन लेता है, राइट, इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट से, जैसे कि कोई बड़ा आदमी होगा उसके गाँव का, उससे उसने लोन ले लिया, क्योंकि इनके पास प्रॉपर कोलेक्ट्रल वगैरह नहीं होती। ये वाली भी प्रॉब्लम आती है जो कि हमने 10th क्लास की एनसीईआरटी की इकोनॉमिक्स में पढ़ा हुआ है, राइट, मनी इन क्रेडिट करके ऐसा कुछ चैप्टर है वो, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा उसके बारे में। तो फ्रेंड्स देखिए, उससे हम लोग को एक चीज़ पता है कि जो किसान जो होते हैं वो लोन लेते हैं कहाँ से, इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट से। तो इसके बाद क्या होता है, इन्होंने लोन ले लिया, अब स्टार्टिंग पीरियड में लोन लिया, फिर एंड पीरियड में इनको लोन चुकाना है ब्याज के साथ। अब उसके बाद क्या होगा, दोबारा से इनको लोन लेना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए, दोबारा से सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, लेबर्स वगैरह में। तो इनके पास ये वाला जो सर्कल होता है बनता जाता है और ये एक डेट ट्रैप में पड़ जाते हैं, राइट। तो ये वाली चीज़ भी हमको पता है कि एक डेट के बर्डन में पड़ जाते हैं, लोन के बर्डन में पड़ जाते हैं, और ये बार बार सर्कल करके ये लोन जो है उनको बार बार चुकाना पड़ता है, बार बार लेना पड़ता है, बार बार चुकाना पड़ता है, बार बार लेना पड़ता है। तो इससे इनके ऊपर एक बहुत भारी बर्डन जो है वो बन जाता है, राइट। और कई सारे फिर हम लोग बाद में देखते हैं कि हार कर किसान जो है वो आत्महत्या कर लेते हैं। तो ऐसी स्थिति ना बने तो इसके लिए ये रायथू बंधु स्कीम जो है गाइस, उसके थ्रू बोला गया है कि 4,000 रुपये हर सीजन में हर किसान को पर एकड़ के हिसाब से दिए जाएंगे, 4,000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से हर किसान को दिए जाएंगे, जिससे वो अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट की नीड्स जो है वो फुलफिल कर सके। तो ये बहुत इजी सी स्कीम है जो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो हमारे फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं अरविंद सुब्रमण्यम जी, इन्होंने शुरुआत करी थी एक आइडिया की जिसका नाम था यूनिवर्सल बेसिक इनकम। यूनिवर्सल बेसिक इनकम यानी कि हर एक इंसान के पास एक बेसिक इनकम जो है वो होनी चाहिए, और ये बेसिक इनकम जो है वो गवर्नमेंट द्वारा देनी चाहिए। तो इन्होंने भी कहा है कि जो रायथू बंधु जो है वो एक क्वाजी यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम है। कैसे क्वाजी यूनिवर्सल बेसिक स्कीम कैसे हो गई, क्योंकि इस स्कीम के थ्रू, रायथू बंधु स्कीम के थ्रू, हर एक किसान को 4,000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से मिल रहा है पैसा गवर्नमेंट से, जिससे वो अपनी इनिशियल बेसिक नीड्स या इन्वेस्टमेंट को पूरा कर सकेगा, राइट। तो ये एक तरह का यूनिवर्सल बेसिक स्कीम भी हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो देखिए, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन और भी आ सकता है यहाँ पर हम लोग को देखने को मिल रहा है। आपसे पूछा जा सकता है कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम का आइडिया जो है वो किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो देखिए इनका आइडिया शुरू किया था अरविंद सुब्रमण्यम जी ने, जो हमारे फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं।
ऑलराइट, तो ये वाली चीज हम लोग को इस स्कीम के थ्रू जो है वो देखने को मिली है, और बोला ये भी जा रहा है कि ये स्कीम जो है वो बहुत ही ज्यादा एडवांटेजियस हम लोग को देखने को मिलेगी, बट इसके रिजल्ट जो है वो एकदम से नहीं देखने को मिलेंगे। लॉन्ग टर्म की अगर बात करेंगे तो इसके रिजल्ट लॉन्ग टर्म पर हम लोग को जो है वो बहुत अच्छे से देखने को मिलेंगे। राइट, तो दिस इज द कंप्लीट न्यूज गाइज अबाउट रायथू बंधु स्कीम। आई होप कि आपको पूरी चीज क्लियर हो गई होगी। दोस्तों, इस न्यूज में बात की जा रही है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वो काफी समय से डिमांड कर रहे थे एक सेपरेट टाइम जोन की। टाइम जोन के बारे में आप लोग को ऑलरेडी पता ही होगा कि टाइम जोन जो है वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एनसीईआरटी में। हम लोग को पता है कि हर एक डिग्री, मतलब जैसे कि अगर किसी इंसान को इंडिया से यूएसए की तरफ जाना पड़ता है तो अगर कोई भी इंसान वेस्ट की तरफ जाता है तो वो उतने समय को माइनस करता है, और ईस्ट की तरफ जो इंसान जाता है वो उतने समय को प्लस करता है। तो ये बहुत ईजी कंसेप्ट है, ये आपको पता ही होगा। तो थोड़ा इसके बारे में मैं आप लोग को हल्की फुल्की इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो जैसे कि फ्रेंड्स, लॉन्जिट्यूड्स को जो है वो 360 वर्टिकल लाइंस में डिवाइड किया गया था, और हर एक डिग्री जो होता है वो चार मिनट के हिसाब से होता है। जैसे कि अगर आप एक डिग्री अगर वेस्ट की तरफ जाएंगे तो आपको माइनस चार मिनट करना पड़ेगा, और अगर आप ईस्ट की तरफ जाएंगे तो आपको प्लस चार मिनट करना पड़ेगा। तो ऐसी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मतलब इनकन्वीनियंट हो जाती हैं। तो इन सब चीज़ों को कन्वीनियंट बनाने के लिए जो डिसाइड किया गया था कि 24 टाइम जोन जो होंगे वो इस्टेब्लिश किए जाएंगे, यानी कि पूरी धरती को 24 टाइम जोन्स में डिवाइड किया गया, जिससे क्या हुआ कि हर 15 डिग्री का एक घंटा जो है वो हम लोग को देखने को मिला। बिकॉज धरती जो है वो गोल है और यहाँ पर 360 लॉन्जिट्यूड जो है वो बनाए गए हैं इमेजिनरी लाइंस। अब 360 डिवाइडेड बाय अगर आप ये कर दीजिए 24 को, बिकॉज एक घड़ी में 24 घंटे होते हैं, यानी कि एक पूरे दिन जो है सुबह से लेकर रात तक का एक पूरा दिन जो है वो 24 घंटों का होता है। अगर 24 से 360 को अगर आप डिवाइड करोगे तो आपको एक घंटा जो है वो पता लग जाएगा कि एक घंटा कितने डिग्री का होगा। तो एक घंटा होता है 15 डिग्री का। तो ये पूरा ओवरऑल कंसेप्ट होता है। होप कि आपको इसके बारे में पूरी चीज़ें पता होंगी। अगर नहीं है तो मुझे बताइएगा, इससे रिलेटेड मैं एक अलग से आपको टाइम जोन का वीडियो जो है वो बना दूंगा। तो नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखकर जरूर बताइएगा, कल वाले वीडियो में या परसों वाले वीडियो में मैं आपको इसके बारे में समझा दूंगा अच्छे से, राइट, टाइम जोन के बारे में। तो अब देखिए, ये ओवरऑल प्रोसीजर होता है। हर एक कंट्री का अपना एक अलग टाइम है, अपना एक अलग समय है। जैसे कि अगर आप यूएसए में जाएंगे तो यूएसए में अलग समय चलेगा, दुबई में अलग समय चलेगा, हर एक कंट्री में अलग समय चलता है। ये समय इसलिए चलता है दोस्तों क्योंकि लोगों के कन्वीनियंट के हिसाब से जो है वो समय सेट किया जाता है। जब सूर्य की किरणें आती हैं तो उस समय लोगों की शुरुआत होती है दिन की। और अगर आप सपोज कीजिए, अगर सभी जगह सभी कंट्री में अगर एक ही समय होगा तो कुछ कंट्री में लोग जो है वो रात में काम कर रहे होंगे, या फिर लोगों के लिए बहुत डिफिकल्टी हो जाएगी। एक कंट्री में लोग सुबह 6 से 8 बजे के बीच में ऑफिस जाते हैं, दूसरी कंट्री में लोग जो है वो 11 से 1 बजे के बीच में ऑफिस जाएंगे, तो ये कितना अनईजी डिफिकल्टी हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि हमारे दिन की शुरुआत होती है सुबह 6 बजे से, क्योंकि हमारे यहाँ रोशनी आती है सुबह 6 बजे। तो अल्टीमेटली इस ओवरऑल चीज़ को जो है वो रोशनी से जो है वो एसोसिएट किया गया है, सन की लाइट से, क्योंकि दिन के समय आप लोग काम करते हैं, रात के समय आप लोग सोते हैं। तो ये ओवरऑल जो पूरा प्रोसीजर होता है ये सन लाइट के ऊपर जो होता है वो डिपेंडेंट होता है। और हमें पता है इंडिया का जो वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है और ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है, उन दोनों के बीच में अगर बात की जाए तो करीब, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा है, इंडिया का ज्योग्राफिकल लोकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, तो उसके चलते करीब 2.5 घंटे का फर्क जो है वो आप लोग को देखने को मिलता है। तो इस फर्क के कारण नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में कई बार हम लोग को ये देखने को मिलता है कि इनके यहाँ सुबह जल्दी हो जाती है, क्योंकि सूर्य की किरणें जो है वहाँ पर जल्दी आती है। क्योंकि सूर्य कहाँ से राइज होता है गाइस, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सूर्य ईस्ट से उगता है वेस्ट में ढलता है ना, सनराइज टुवर्ड्स द ईस्ट एंड सेट टुवर्ड्स द वेस्ट, पढ़ते हुए आ रहे हैं बचपन से। तो ईस्ट वाले रीजन में क्या होता है, सन की किरणें पहले आ जाती हैं। अब सन की किरणें पहले आ गई तो चलिए उससे कोई नुकसान तो है नहीं, बट उससे रात के समय ज़्यादा नुकसान है। एक इंसान का ऑफिस टाइम क्या होता है, सुबह 10 से 5, ठीक है। यहाँ पर सूर्य की किरणें जब पहले अगर आ जाएगी, अगर यहाँ पर सूर्य की किरणें अगर सुबह के 4 बजे अगर आ चुकी होगी तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर 10 से 5 की अगर बात करें ऑफिस टाइम की, तो यहाँ पर 10 बजे कड़क धूप होगी, जब सूर्य जो होता है वो सेंटर पे होता है हमारे लिए। नॉर्मल अगर सेंट्रल टाइम जोन की बात करें, अगर आप मध्य प्रदेश में दिल्ली वगैरह में हैं, तो 12 बजे सूर्य जो होता है वो आपके बिल्कुल सर के ऊपर रहता है। तो इनके यहाँ 10 बजे सूर्य सर के ऊपर होगा। हमारे यहाँ जैसे आज अभी विंटर की बात करें तो शाम में 6 बजे जो है वो सूर्य ढल जाता है, अंधेरा होने लगता है। यहाँ पर होता है कि 10 से 5 की इनकी नौकरी होती है, तो यहाँ पर ऐसा होता है कि 4 बजे या 3:30 बजे जो है वो अंधेरा होने लगता है, जिसके कारण क्या होता है, इनका एनर्जी में बहुत ज़्यादा लॉस होता है, राइट। वहाँ के लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टीज हो जाती हैं। तो ऐसी डिफिकल्टीज ना हो इसलिए ये काफ़ी समय से डिमांड कर रहे थे कि इनके पास जो है वो सेपरेट टाइम जोन जो है वो होना चाहिए, जिसको गवर्नमेंट द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया है। गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया है इनको डिफरेंट टाइम जोन्स के लिए। तो ये वाली चीज़ आप लोग को ध्यान में रखनी है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करें गाइस, तो अभी अक्टूबर की बात की जा रही है, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी जो है गाइस, CSIR की नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी और नेशनल मेजरमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इन दोनों के द्वारा अभी कुछ सॉल्यूशंस निकाले गए थे दो टाइम जोन्स के।
इन्होंने बोला था एक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वन जो कि हम लोग फॉलो कर रहे हैं प्लस 5:30, और इसके अलावा इन्होंने एक टाइम जोन और दिया था वो था प्लस 6:30। इन्होंने बोला था कि ये दो टाइम जोन है उसको हम लोग लगा सकते हैं, लागू कर सकते हैं, और जिसके आधार पर चीज़ें जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए कंफर्टेबल हो जाएगी। यानी कि प्लस 6:30 वाला जो टाइम जो होगा वो असम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है ये पर्टिकुलर स्टेट जो है ये फॉलो करेंगे, और बाकी जो टाइम पीरियड है वो रेस्ट ऑफ द इंडिया जो है वो फॉलो करेगा प्लस 5:30 वाला, क्योंकि चीज़ों को कन्वीनियंट करने के लिए। बट फाइनली जो है वो अभी गवर्नमेंट ने इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया है। तो गाइज मेन चीज़ बात करें तो दो टाइम जोन्स की क्यों आवश्यकता है, क्यों ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडिया जो है वो 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट तक जो है वो स्ट्रेच करता है, जिसमें हम लोग को 29 डिग्रीज देखने को मिलते हैं। और जैसा मैंने भी आपको यहाँ पर समझाया कि यहाँ पर 15 डिग्री इसीलिए बताया गया है बिकॉज एक घंटा जो होता है वो कन्वीनियंट होता है। तो यहाँ पर देखिए लगभग सिर्फ 4 मिनट को आप अगर हटा दो या फिर मैं बोलूँ 4 मिनट को और ऐड कर दो अगर आप, तो यहाँ पर 30 डिग्री हो जाएगा। तो यानी कि 2 घंटे का टाइम पीरियड जो है, टाइम स्ट्रेच जो है वो हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलता है। एग्जैक्टली अगर बात करें तो 2 घंटे का टाइम स्ट्रेच, तो ऑलमोस्ट 2 घंटे का ज्योग्राफिकल परस्पेक्टिव जो है या फिर एक्सपेंशन जो है वो इंडिया का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर यहाँ से समझो आप, इस यहाँ पर इंडिया है, ये अभी ये सब मैप छोड़ दो आप, यहाँ पर सोचो कि यहाँ पर इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया है, और नहीं यार एक मिनट रुक जाओ यार, यहाँ पे करते हैं, ठीक है, ये इंडिया है, इसकी बात करें तो ये इंडिया हम लोग को ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, ठीक है, इतने एरिया में पूरा इंडिया है, इतने एरिया को कैप्चर कर रहा है। समझने के तौर पर बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, ये आपका इंडिया है, ये क्या कर रहा है, ये वाला जो रीजन है ये और ये दोनों लाइन कितने डिग्री की है, 15 डिग्री का डिफरेंस है। इन दोनों लाइन में कितने डिग्री का डिफरेंस है, 15 डिग्री का डिफरेंस है, बट सिर्फ हल्का सा एक डिग्री का डिफरेंस छोड़ के इतना वास्ट इंडिया हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, कोई भी इंसान इस एरिया में होगा तो यहां पर उसको सुबह जल्दी होगी उसके लिए, और यहां वाले एरिया के लिए सुबह थोड़ी सी लेट होगी, और अंधेरा जो होगा यहां वाले एरिया के लिए जल्दी हो जाएगा बिकॉज अर्थ जो है वो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन की तरफ मूव करती है। तो जिससे क्या होगा, अर्थ जो है वो ईस्ट की तरफ जब मूव करेगी तो ऑटोमेटिकली ईस्ट जो होगा वो आगे चले जाएगा, जिसके थ्रू पे जिसके तौर पे हम लोग को देखने को मिलेगा कि यहाँ पे अंधेरा होने लगेगा और यहाँ पर उजाला होता जाएगा, उजाला होता जाएगा। तो इस कंसेप्ट को नजर रखते हुए हम लोग को यहाँ पर चीज सामने आई कि दो टाइम जोन की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स होते हैं, जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में काम करते हैं, जो लेबर्स वगैरह होते हैं, तो उनके लिए काफ़ी मुसीबत वाला काम जो है वो हम लोग को देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स ये जो काम वाली चीज़ है उसको आपको लोग की अंडरस्टैंडिंग को और इजी करने के लिए मैं आपको बता दूं कि क्यों काम के बेसिस पर ही इस टाइम जोन को जो है वो सेट किया था। तो फ्रेंड्स देखिए, आप अगर आप जानते हैं कि किसी बिल्डिंग को रात में जो है वो नहीं बनाया जा सकता, आप बोलेंगे सर लाइट लगा दी जाए रात में बना दिया जाएगा, तो गाइज आप इतनी हाई बीम की लाइट लगाओगे तो उस हाई बीम की लाइट में आपकी एनर्जी का नुकसान नहीं होगा। जो इंसान हाई बीम की लाइट यूज़ करेगा उसको पहली बात तो इतना बड़ा क्रेन ला के यहाँ पर रखना पड़ेगा हाई बीम के लिए, कितना खर्चा होगा उसका, और सेकेंडली नेचुरल रिसोर्सेज का भी कितना खर्चा होगा, कितनी एनर्जी का वेस्ट होगा। जब आपको सूर्य की नेचुरल एनर्जी मिल रही है, नेचुरल लाइट आपको मिल रही है, तो आप क्यों दूसरी चीज़ों में खर्चा कर रहे हो। तो इस कंसेप्ट को नज़र में रखते हुए टाइम जोन जो है वो इस्टेब्लिश किया गया था। और फ्रेंड्स ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि लॉस ऑफ डे लाइट आवर्स एंड एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूसेज की इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया जाएगा, ये एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको दे दिया है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स जो है गाइज वो फेस कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट वाले लोग इलेक्ट्रिसिटी यूसेज वगैरह का, कि वो बेहतर तरीके से डे लाइट को यूज़ कर पाएंगे अगर दो टाइम जोन हम लोग को देखने को मिलेगा। सेकेंडली बायोलॉजिकल क्लॉक जो होती है गाइज, जैसे कि बायोलॉजिकल क्लॉक का मतलब क्या होता है, आप सुबह के समय उठते हो आपकी आँख खुलती है सुबह के समय, आपको नींद आती है रात के समय, तो ये हमने अपने माइंड को जो है वो इस प्रकार से ट्रेन कर लिया है कि हमारी एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है कि रात में आप 6 से 8 घंटे की नींद लेते हो और सुबह आप सोते हो। बट कुछ एक्सेप्शंस लोग होते हैं जिन लोग को स्लीपिंग डिसऑर्डर्स वगैरह होता है तो वो एक अलग कंडीशन है, बट नॉर्मल पर्सन की मैं बात करूं तो जो कॉमन सिटीजन्स होते हैं, नॉर्मल लोग जो होते हैं, वो सुबह अपना काम करते हैं और रात में ऑटोमेटिकली उनको नींद आने लगती है। तो ऐसे ही जब आप फॉलो करने लगते हो काफ़ी समय तक चीज़ें, तो ये आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक बन जाती है। इस दौरान अगर आपको कोई रात में काम करने का बोलेगा तो आप एफिशिएंटली काम नहीं कर पाओगे क्योंकि आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक को जो है वो डिस्टर्बेंस होगा। जैसे ही आप अंधेरा देखने लगोगे आपको लगेगा कि अरे यार अब तो बहुत हो गया, अब तो नींद आ रही है ना, या तो अभी यार बहुत थक गए अब तो अंधेरा हो गया है। तो ऐसी चीज़ें फेस कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट वाले लोग, यहाँ पर लोगों के अंदर बायोलॉजिकल क्लॉक्स का डिसऑर्डर जो है वो हम लोग को देखने को मिल रहा है। इसके कारण उनकी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम जो है उनकी लाइफ में क्रिएट होती जा रही है। बट अब बात करेंगे अगर
दो टाइम जोन अगर एस्टेब्लिश कर दिया तो इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे कि इंडिया में बहुत ह्यूज पॉपुलेशन है, एक इंसान दूसरी अगर नॉर्थ ईस्ट एरिया की तरफ जाएगा और बार बार उसको अपनी घड़ी जो है वो चेंज करनी पड़ेगी, अपना टाइम जो है वो चेंज करना पड़ेगा, तो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। अगर कोई रेलवे सिग्नल्स के दौरान अगर कोई एक रेलवे नेटवर्क हम लोग का इतना बड़ा है कि वो नॉर्थ ईस्ट रीजन तक भी जाता है, अगर कोई ट्रेन सेंट्रल इंडिया से नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तरफ जा रही होगी और ऑब्वियस ही बात है कि अगर किसी पर्टिकुलर ट्रैक के रूट्स को चेंज करने की अगर बारी आती है टाइम के अकॉर्डिंग, अगर एक स्टेशन में टाइम अनाउंस हो रहा है कि 12 बजे ये ट्रेन आने वाली है और यहाँ पर टाइम अनाउंस हो रहा है कि ये ट्रेन जो आएगी वो 10 बजे आएगी, राइट, तो इसके बीच का जब टाइम जब चेंज होता है, यानी कि ऑब्वियस ही बात है कि डेलाइट तो बिल्कुल सेम है, यानी कि सेंट्रल इंडिया यहाँ पर 10 बजे को 12 बजे, 10 और 12 बजे जो है वो बिल्कुल सेम पीरियड है इंडिया के लिए, तो कन्फ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर सेंट्रल इंडिया में इसी समय 10 बज रहा है और यहाँ पर इसी समय 12 बजेगा इनकी घड़ी में, तो आप सोचिए कि इस समय 10 बजेगा और इस समय यहाँ पर 12 बजेगा, तो एक ट्रेन इस तरफ जाएगी नॉर्थ ईस्ट रीजन की तरफ, यानी कि दो घंटे बाद अगर इस ट्रेन को यहाँ पर पहुँचना है तो ये 12 से यहाँ पर कितना बज जाएगा, 2 बज जाएगा, और यहाँ पर कितना बजेगा गाइस, यहाँ पर 10 से 12 हम लोग को नजर आता हुआ दिखेगा जब ये क्रॉस करेगी इस पर्टिकुलर रीजन को, तो राइट, तो इस पर्टिकुलर पर्सन जो इंसान इस ट्रेन में बैठा होगा या फिर जो ड्राइवर इस ट्रेन पर ट्रेन चला रहा है उसकी घड़ी में अभी 10 बज रहा है, राइट, और जैसे ही वो इस रीजन को क्रॉस करेगा तो उसको अपनी घड़ी को सेट करना पड़ेगा एज अ 2 बजे, बिकॉज इस रीजन पर अब 2 बज रहे होंगे क्योंकि 2 घंटे का डिफरेंस हो गया, यहाँ पर 2 घंटे का डिफरेंस होगा तो यहाँ पर भी 2 घंटे का डिफरेंस होगा, तो जब यहाँ पर गाइस 2 बजेंगे और अगर किसी एक पर्टिकुलर ह्यूमन ने कोई गलती के कारण, जैसे अगर सपोज किया जाए जो ट्रैकमैन्स वगैरह नहीं होते जो ट्रैक्स वगैरह चेंज करते हैं, क्योंकि अपना सिस्टम इतना हाईटेक सिस्टम तो है नहीं, आज भी हम लोग ह्यूमन लेबर के बेसिस पर ही हम लोग चीज़ जो है वो कर रहे हैं, ऑटोमेटेड सिस्टम तो नहीं है, अगर किसी इंसान को ट्रैक्स चेंज करना हो और उसको ऑर्डर आया सेंट्रल इंडिया से कि एक ट्रेन यहाँ से 10 बजे चली है, तो वो किस प्रकार से कैलकुलेट कर पाएगा कि यार यहाँ तो 12 बज रहे हैं, वो ट्रेन कब पहुँचेगी यहाँ पर, और ऑब्वियस ही बात है कि अगर दूसरी ट्रेन अगर वहाँ से दूसरी डायरेक्शन से आ रही होगी जब और नॉर्थ ईस्ट रीजन से अगर अरुणाचल प्रदेश से एक इस पर्टिकुलर पर्सन के पास कॉल आया कि यार एक ट्रेन अभी यहाँ से निकली है 2 बज रहे हैं अभी यहाँ पर और 2 बजे यहाँ से ट्रेन निकली है, तो ये कैसे कैलकुलेट करेगा, तो कितना कन्फ्यूजन हो जाएगा अभी बोलते समय ही कितना कन्फ्यूजन हो रहा है, तो देखिए लोग में जब रियल लाइफ में इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो कितना बड़ा कन्फ्यूजन होगा और इसके चलते मेजर एक्सीडेंट्स भी हम लोग को देखने को मिलेंगे एक ही जगह पर डिफरेंट टाइम जोन के चलते, तो इसीलिए जो है वो इस चीज़ पर फोकस नहीं किया गया है। और सेकेंडली बोला गया है कि जो एनर्जी की अगर जो यहाँ पर बात की गई है कि नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर रात के समय जब लोग ऑफिस में काम कर रहे होते हैं यानी कि उनके पास अंधेरा जो है वो जब जल्दी हो जाता है तो उस समय इतना ज़्यादा एनर्जी लॉस नहीं हो रहा, और अगर एनर्जी लॉस हो भी रहा है तो इस प्रकार के मेजर एक्सीडेंट जो हम लोग को देखने को मिलेंगे उससे तो कम ही हम लोग को देखने को मिल रहा है, बट अगर प्रैक्टिकल बारे में बात करें तो इतना मेजर लेवल पर लॉस जो है वो नहीं देखने को मिल रहा है, ये वाली बात यहाँ पर हमारे सामने आई है। और सेकेंडली दूसरी प्रॉब्लम्स यहाँ पर बैंक्स ऑफिसेज और इंडस्ट्रीज़ वगैरह में हो सकती है, क्योंकि इंडिया जो है वो कनेक्टेड है दोस्तों हर एक चीज़ से, अगर आप इंडिया में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो इंडिया हम सब चीज़ों से कनेक्टेड है, इंडस्ट्रीज़ वगैरह से, बैंक से, ऑफिस से, इंडिया में अगर कोई इंटरनेशनल बैंक जो है अगर यहाँ पर एमएनसी इस्टेब्लिश हुई होगी तो एमएनसी इसको ऑर्डर देने में कितनी परेशानी जाएगी, वो हर एक टाइम जोन को थोड़ा ना ऑर्डर देती रहेगी, तो ये भी एक बहुत बड़ा मेजर एक इशू यहाँ पर सामने आता है, तो इसीलिए बोला गया है कि आज की रेट में या फिर बेसिकली इंडिया जो है उसको सेपरेट टाइम जोन की आवश्यकता नहीं है। तो बहुत हेक्टिक हो गया इन ही वाला पर्टिकुलर टॉपिक और कई सारे लोगों को शायद मे भी प्रॉपर तरीके से समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि टाइम जोन जो है वो थोड़ा सा समझने वाला कंसेप्ट, अगर आपने उसके एक बार समझ लिए तो आप अच्छे से समझ जाओगे, अगर नहीं समझे तो नहीं समझ पाओगे, उसको दोबारा से आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। जिन लोग के कंसेप्ट अभी अच्छे से क्लियर नहीं हुए हैं मुझे एक बार बताइएगा, टाइम जोन को मैं बिल्कुल बेसिक से आपकी शुरुआत करूंगा स्टार्टिंग से कि कैसे टाइम जोन की शुरुआत हुई और क्यों आवश्यकता है, तो पूरा मैं एक बार दोबारा से आप लोग को और अच्छे से और क्लियर फॉर्मेट में समझा दूंगा, ये सब चीज़ों को साइड में रखते हुए, जो अभी न्यूज़ है उसको साइड में रखते हुए एक इंडिविजुअल टॉपिक आपके लिए उस पर बना दूंगा अगर आप चाहें तो, और अगर आप चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये पूरी ओवरऑल न्यूज़ थी गाइस, आई होप कि आप लोग को अच्छे से क्लियर हुई होगी। अब हम लोग एडिटोरियल्स की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, बात करेंगे अल्ट्रूस्टिक सरोगेसी के बारे में। तो फ्रेंड्स देखिए इस टॉपिक को ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, बट फ्रेंड्स ये वाले आर्टिकल में मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी काम की चीज़ आप लोग को देखने को मिलेगी, तो जिन लोगों ने प्रीवियस ट्यूटोरियल मेरा नहीं देखा है उनको मैं एक बार शॉर्ट में सरोगेसी क्या होता है वो समझा देता हूँ। तो उसके लिए बेस्ट एग्जांपल मैं शाहरुख खान का लूँगा, तो फ्रेंड शाहरुख खान की वाइफ जो है आप सभी को पता है कि गौरी खान है, और इनका अभी तीसरा बेबी हुआ है जिसका नाम है अबराम, तो जो कि काफ़ी क्यूट है। तो गाइस अबराम जो है उसको बर्थ गौरी खान ने नहीं दिया, बट देन टू इसके अंदर जीन जो है वो शाहरुख खान और गौरी खान दोनों के हैं, इसके अलावा और किसी के नहीं हैं, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? तो गाइस मेडिकली ये सब चीज़ें जो है वो पॉसिबल है। इसमें क्या किया जाता है, गौरी खान और शाहरुख खान के जो जीन जो होते हैं जो
एग्स वगैरह जो होते हैं, तो उसको क्या किया जाता है, उसको लिया जाता है और एक दूसरी वुमेन के वुम में जो है वो इन्फ्यूज कर दिया जाता है। इसके बाद यहाँ पर जो वुम के अंदर जो होता है ये बेबी डेवलप होता है, और जब ये बेबी पूरी तरह से 9 महीने में डेवलप हो जाता है तो उसके बाद ये बेबी शाहरुख खान और गौरी खान को मिल जाता है। तो अभी ऑफिशियली रिलीज नहीं है कि ये जो अबराम खान की सरोगेट मदर कौन है, बट बोला जाता है कि गौरी खान की जो एक रिलेटिव है, उनकी बहन जो है वो इसकी सरोगेट मदर है। तो ये चीज़ क्लियर नहीं, बट आप ये कंसेप्ट समझ गए कि एक बेबी जो है उसका बर्थ ऐसे भी पॉसिबल है, उसकी खुद की माँ के अलावा दूसरे के द्वारा भी उसका बर्थ पॉसिबल है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि गौरी खान और शाहरुख खान के जो जीन्स होंगे उसके अलावा जो उसकी सरोगेट मदर होगी जिसने उसको बर्थ दिया है उसके भी जीन इसमें शामिल होंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उस सरोगेट मदर के सिर्फ वूम को यूज़ किया गया है जहाँ पर बेबी का डेवलपमेंट होता है, बाकी जेनेटिकली किसी भी तरह से कोई रोल नहीं है इस सरोगेट मदर का इस पूरी ओवरऑल प्रोसेस में, राइट? तो फ्रेंड्स देखिए, अभी लोकसभा के द्वारा एक बिल पास किया गया है जिसके थ्रू कमर्शियल सरोगेसी को बैन करने की बात की गई है, और जो भी इंसान कमर्शियल सरोगेसी करता हुआ पकड़ा जाएगा तो उसको 10 साल की सज़ा सुनाई जाएगी और उसको 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। और फ्रेंड्स अभी जो है ये लोकसभा से पास हुआ है पर ये राज्यसभा से पास नहीं हुआ। जैसे ही इसको राज्यसभा पास कर देगी उसके बाद ऑनरेबल प्रेसिडेंट जैसे ही अपना इस पर एसेंट प्रोवाइड करा देंगे तो उसके बाद हम लोग को देखने को मिलेगा कि ये एक लॉ बन जाएगा और उसके बाद ये ओवरऑल पूरी तरह से कमर्शियल सरोगेसी जो है वो इंडिया में बैन कर दी जाएगी, राइट? तो ये वाली चीज़ हमारे सामने आ रही है। तो इसका मतलब ये है गाइस, इस बिल के थ्रू हम लोग ने काफ़ी चीज़ पहले डिटेल में डिस्कस करी थी, तो इसमें जो भी इंडियन इनफर्टाइल कपल्स होंगे जो कि बर्थ नहीं देना चाहते या फिर जो बेसिकली मेडिकली फिट नहीं है बर्थ देने के लिए एक बेबी को, और जिनकी मैरिज 5 साल से ज़्यादा की हो चुकी होगी, 5 साल या उससे ज़्यादा की मैरिज हो चुकी होगी जिनकी, तो उन्हीं के लिए अल्ट्रूसिक सरोगेसी जो है वो अलाउ किया जाएगा, यानी कि वो दूसरी एक सरोगेट मदर जो है उनको रख सकते हैं, और पर जिनको वो पैसा नहीं देंगे, कमर्शियली नहीं है, पेड नहीं करेंगे उनको, बट उनके मेडिकल एक्सपेंसेस और उनका इंश्योरेंस वगैरह जो है ये उस पर खर्चा कर सकेंगे, उनकी हेल्थ पे, उनके मेडिकल एक्सपेंसेस पे, तो इन सब चीज़ों पे वो खर्चा कर सकते हैं, बट उसको कमर्शियली यानी कि उसको कोई फीस वगैरह जो है वो नहीं देंगे। तो ये वाली चीज़ हमारे सामने आई है। सेकेंडली इसमें ये बिल के अकॉर्डिंग ये वाली चीज़ भी बोली गई है कि जो सरोगेट मदर होगी वो उसकी क्लोज रिलेटिव ही होनी चाहिए, और ऐसी क्लोज रिलेटिव जिसकी शादी को करीब 5 साल हो चुके हों और उस पर्टिकुलर लेडी को कोई बच्चा ना हुआ हो, यानी कि वो चाइल्डलेस हो 5 सालों के लिए, तभी वो जाकर एक सरोगेसी जो है सरोगेट मदर जो है वो बन सकती है, वो सरोगेसी के लिए अलाउ की जा सकती है, राइट? ऐसी मदर, और जिसको सरोगेसी करवाना है उसको अपने सिर्फ रिलेटिव को ही चूज़ करना पड़ेगा और क्लोज रिलेटिव, बाकी कोई दूर दूर के रिश्तेदार वगैरह यहाँ पर नहीं चलेगा इस बिल के अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स पहले भी हमने डिस्कस किए थे, अभी दोबारा से हम लोग इस चीज़ के बारे में भी देखेंगे। तो फ्रेंड्स जैसे कि बात की जाएगी कि सरोगेट जो होगी औरत जो लेडी होगी जिस जो कि दूसरे किसी का बेबी जो है वो कैरी करेगी अपने वोम के अंदर, तो उसको कुछ रीजनेबल एक्सपेंसेस दिए जाएंगे, कुछ मेडिकल खर्चे हो गए, मेडिकल ट्रीटमेंट का पैसा हो गया, उसकी बॉडी के लिए उसकी फिटनेस के लिए जो पैसा होगा वो उसको दिया जाएगा, उसकी डाइट के लिए पैसा जो है वो खर्चा किया जाएगा, तो इस चीज़ पर यहाँ पर फोकस किया गया है। बट फ्रेंड्स यहाँ पर बात की जा रही है जो इसका खर्चा किया जाएगा और इसमें जो क्लोज रिलेटिव की जो बात की गई है, क्लोज रिलेटिव की न्यू सरोगेसी बिल के हिसाब से, तो फ्रेंड्स जो क्लोज रिलेटिव होगी किसी पर्टिकुलर पर्सन की तो उसके थ्रू फैमिली के अंदर उस पर्टिकुलर मदर पे या उस पर्टिकुलर लेडी के ऊपर स्ट्रेस दिया जाएगा, यानी कि अगर एक फैमिली के अंदर 5 लोग 10 लोग हैं समझ लो, एक फैमिली के अंदर 10 लोग हैं, तो उन 10 लोगों में से अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन के भाई की शादी के बाद जो है वो 5 साल के बाद उसका बच्चा नहीं हो पा रहा है, तो मे बी शायद उसके अंदर वुमेन को जो है वो अनट्रीट किया जाएगा, एक्सप्लॉइट किया जाएगा, दबाव डाला जाएगा वुमेन के ऊपर, अत्याचार किया जाएगा, जो वुमेन नहीं चाहती है सरोगेट मदर बनना उस पर भी दबाव डाला जाएगा, उसको बोला जाएगा कि तुम सरोगेसी करो, सरोगेट मदर बनो, राइट? तो इस प्रकार की एक चीज़ जो है वो हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल सकती है। सेकेंडली जो वुमेन जो इस बच्चे को कैरी करेगी, जो अपना वुम जो है उसमें ये फीटस रखेगी, बच्चे को रखेगी अपने और उसके डेवलपमेंट के लिए, तो जो 9 महीने की प्रोसेस होती है उसमें गाइस बोला जाता है कि अटैचमेंट, ऑब्वियसली बात है कि उसका बच्चा हो या ना हो एक बेबी के साथ अटैचमेंट होता ही होता है, तो वो मदरहुड वाली फीलिंग जो है गाइस बोला जाता है कि वो उसमें नहीं आनी चाहिए। अगर कोई सरोगेट होगी, अगर कोई चाहेगी कि ये वाली प्रोसेस करवाना कोई पर्टिकुलर लेडी, तो उसको ट्रेनिंग दी जाएगी कि वो इस प्रकार की जो है मदरहुड वाली चीज़ जो है वो अपने अंदर ना लाए, तो उसको इमोशनल लेस किया जाएगा, राइट? और ये सब चीज़ें सरोगेट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो है होगी वो मैंशनड होगी।
तो यानी कि एक बार जैसे ही बच्चे का बर्थ हो जाए तो वो बच्चे से जो है वो कभी नहीं मिलेगी, वो बच्चे को मेन पेरेंट्स को हैंड ओवर कर देगी जिनका फीटस था। ये वाली चीज हमारे सामने आई है। तो ये एक और एक बड़ी मेजर लेवल पर हम लोग को चीज देखने को मिल रही है कि इसमें वुमेन के इमोशन के साथ भी खेला जाएगा, राइट। तो ये वाली चीज भी सामने आ रही है। सेकेंडली गाइस, इसमें कंसर्न ये चीज की गई है कि जो जैसे ही ऑब्वियस ही बात है कि जब कभी भी कोई पर्टिकुलर पर्सन जब सरोगेसी से गुजरेगा तो उसको ऑब्वियस ही बात है एक फिजिकल और इमोशनल प्रॉब्लम तो होगी होगी। तो इस प्रॉब्लम्स के बारे में पहले से उसको बताया जाएगा कि आपको जो है वो बच्चा जो है वो पेरेंट्स तक पहुंचाना है और आप कभी भी उस बच्चे पे क्लेम नहीं कर पाओगे। तो ये एक मेंटल प्रेशर क्रिएट होगा और फिजिकली तो ऑब्वियस ही बात है कि कोई भी सरोगेट मदर एक सरोगेसी से गुजरेगी कोई भी लेडी, तो उसको फिजिकली तो हार्म हो गई होगा। साथ ही साथ वुमेन्स का एक्सप्लॉयटेशन भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि किसी फैमिली के अंदर किसी भाई का अगर नहीं हो रहा है और यहाँ पर इस बिल के अकॉर्डिंग सिर्फ बोला गया है कि आपके क्लोज रिलेटिव ही हो पाएंगे इसमें, तो वुमेन्स को एक्सप्लॉयट किया जाएगा फैमिलीज के अंदर। एक वुमेन को फोर्स किया जाएगा सरोगेट बनने के लिए। और फ्रेंड्स, जो आज की डेट में ये बिल उस चीज़ को भी इंश्योर नहीं कर पा रहा है, जैसे कि बात करें, जैसे कि इस बिल के अकॉर्डिंग ये वाली बात बोली गई है कि जो मदर अगर चाहती है एक सरोगेट मदर बनना, यानी कि जो लेडी एक सरोगेट मदर बनना चाहती है, उसके लॉ को भी छीन लिया गया है। बिकॉज अगर उसको सरोगेट मदर बनना है तो उसके कोई क्लोज रिलेटिव होंगे, अगर वो डिमांड करेंगे तभी ये बन पाएगी, वरना फिर नहीं बन पाएगी। तो बोला जा रहा है कि ये बिल जो है वो राइट टू इक्वालिटी और राइट टू लाइफ को भी बेसिकली हार्म कर रही है, वॉयलेट कर रही है आर्टिकल 14 और 21 को। तो ये वाली चीज़ भी कुछ हम लोग के सामने, हम लोग को कंसर्न जो है वो देखने को मिल रहा है इसके रिगार्डिंग। इसके अलावा बात करें तो गाइस, क्लोज रिलेटिव जो है उसकी डेफिनेशन जो है वो क्लियरली हम लोग को देखने को मिल रही है इस बिल के अंदर। तो जिसमें स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाए जाएंगे और उसके बदले जो मदर जो होंगी या फिर मैं बोलूं जो भी नेक्स्ट लेडी होगी एक फैमिली के अंदर, उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जाएगा सरोगेट मदर बनने के लिए, उसकी विल के मतलब उसकी विल को हटा के, उसकी इच्छा नहीं होगी देन टू उस पर प्रेशर क्रिएट किया जाएगा। तो एक तरह से वुमेन्स का एक्सप्लॉयटेशन जो है वो हम लोग को देखने को यहाँ पर भी मिलेगा ही मिलेगा, राइट। और ये लिव इन पार्टनर्स के लिए ये अवेलेबल नहीं है, या फिर सिंगल पेरेंट्स के लिए ये वाली चीज़ जो होगी वो अवेलेबल नहीं होगी, ये वाली चीज़ भी यहाँ पर क्लियरली मैंशन कर दी गई है, राइट। और तो ये कुछ चीज़ें हैं गाइस ये सरोगेसी से रिलेटेड। तो अब हम लोग देखेंगे, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 2018 जो है वो खत्म होने वाला है, 2019 लगने वाला है। तो इस साल 2018 में हमारे इंडियन साइंटिस्ट रिसर्चर्स टेक्नोलॉजिस्ट द्वारा किन किन चीज़ों का आविष्कार किया गया था इंडिया में, तो उसकी पूरी एक लिस्ट आपके सामने अब आ रही है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। इसमें जानेंगे कि साइंटिस्ट द्वारा किन किन चीज़ों का डेवलपमेंट किया गया है, नई नई कौन सी टेक्नोलॉजी आई है, किन किन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बात की गई है कि आने वाले समय में ये वाली टेक्नोलॉजी जो है वो अचीव की जाएगी। तो रेंजिंग फ्रॉम नैनो टेक्नोलॉजी टू स्पेस वेदर, पूरी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कि 2018 में क्या क्या अचीव किया है। तो फ्रेंड्स, साइंटिस्ट के द्वारा एक जेल जो है वो बनाया गया है जिसके थ्रू जितने भी पेस्टिसाइड्स वगैरह होते हैं, जब किसान जो होते हैं फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड जब छिड़कते हैं, राइट, तो उस वो काफ़ी हार्मफुल होते हैं, केमिकल्स होता है उसमें जो कि इंसान की स्किन को ख़राब कर देता है, स्किन इन्फेक्शन होता है किसानों को, उसमें काफ़ी डेंजरस टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, काफ़ी जहरीले केमिकल्स वगैरह होते हैं। तो इन सब चीज़ों से प्रोटेक्ट करने के लिए किसानों के लिए एक जेल बनाया गया है जिसका नाम है दोस्तों पॉलीऑक्सीमिन। तो ये इस जेल का नाम है, तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखनी है। ये जेल जो है वो साइंटिस्ट द्वारा स्पेशली फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है, जिसके थ्रू फार्मर्स स्किन इन्फेक्शन होने से, और इवन ये वाले जो जब ये छिड़कते हैं पेस्टिसाइड्स वगैरह तो इनके लंग्स को भी इन्फेक्शन होता है, तो ऐसा कोई इन्फेक्शन ना हो इनको, तो उसके लिए ये जेल जो है वो क्रिएट किया गया है। इसके अलावा नेक्स्ट की बात करें तो वर्ल्ड थिनेस्ट मटेरियल जो है गाइस विद नोवल टेक्निक के द्वारा जो है वो बनाया गया है, दुनिया का सबसे थिनेस्ट मटेरियल, ये एक पेपर की शीट से भी थिन है वो बताया जा रहा है। बोला जा रहा है कि 1,00,000 गुना ज़्यादा थिन, यानी कि सोचो कितना थिन होगा ये, मतलब अगर आप आंखों से भी देखो एक पेपर अपने हाथ में उठा के देखो वो पेपर कितना थिन होता है, उससे 1,00,000 ज़्यादा गुना थिनर, और ये कर लो आप तो सोचो वो दिखेगा ही नहीं बिल्कुल कि इस पर्टिकुलर प्रकार का मटेरियल जो होगा वो। तो ये ऐसा थिनेस्ट मटेरियल जो है वो रिसर्चर्स द्वारा हम लोग को देखने को मिला है। 2-डायमेंशनल मटेरियल है ये, 1 नैनोमीटर की इसकी थिकनेस है, बस सिर्फ 1 नैनोमीटर की, और इसको मैग्नीशियम डाइब्रॉइड और बेसिकली जो कि एक कंपाउंड है बोरॉन का, तो उसके द्वारा जो है वो बनाया गया है। तो ये वाली चीज़ हमारे सामने आ रही है। आने वाले समय में बोला जा रहा है कि इससे नेक्स्ट जनरेशन बैटरीज, अल्ट्रा वॉयलेट एब्जॉर्बिंग फिल्म्स वगैरह जो है वो बनाई जाएंगी, उसमें जो है ये यूज़ किया जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट में बात की जा रही है कि बनाना जो है उसकी जीन एडिटिंग की गई है गाइस। तो इस जीन एडिटिंग का टेक्निक जो है इसका नाम है CRISPRCAS9। इसको नेशनल एग्री फूड
बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के रिसर्चर्स द्वारा किया गया है जो कि मोहाली में है, तो ये चीज़ भी आप लोग को ध्यान में रखनी है। फ्रेंड्स, यहाँ पर पहला ऐसा काम हम लोग को इंडिया के द्वारा देखने को मिल रहा है जब किसी फ्रूट क्रॉप की जीन एडिटिंग की गई हो। जैसे पहले आपने कॉटन की जीन एडिटिंग देखी होगी, बीटी कॉटन जिसको बोलते हैं, ब्रिंजल की देखी होगी, अब एक फ्रूट की आप देख रहे हैं। एक पहला फ्रूट जो है जिसकी इंडिया के अंदर जीन एडिटिंग की गई है वो है बनाना। तो फ्रेंड्स, बनाना जो है वो फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप है वीट, राइस और कॉर्न के बाद। इस जीन एडिटिंग के थ्रू बोला जा रहा है कि उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी जो है उसको इम्प्रूव किया गया है, एग्रोनॉमिकल इंपॉर्टेंट ट्रेड जो है उसको इम्प्रूव करने की बात की गई है, और साथ ही साथ बोला गया है कि एक बेटर बनाना जो है उसके अंदर प्रॉपर न्यूट्रिशन क्वालिटी आए उसके अंदर, तो उसको बनाया गया है। तो ये जीन एडिटिंग जो होती है गाइज वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि एग्जामिनेशन में हर बार पूछी जाती है। सेकेंडली गाइज, मतलब बहुत जल्दी अगर ट्यूबरकुलोसिस को डिटेक्ट करना है तो उसके लिए एक फास्टर डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है वो साइंटिस्ट के द्वारा डेवलप किया गया है। एक हाई सेंसिटिव और रैपिड टेस्ट जो है वो डेवलप किया गया है जिसके थ्रू जल्दी से जल्दी जो है वो ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन जो है उसका पता लगाया जा सके, राइट? तो ये वाली चीज़ हम लोग को देखने को मिल रही है। जो न्यू टेस्ट है गाइस उसमें यूज़ किया जा रहा है एप्टेमर लिंक्ड इमोबलाइज्ड सॉर्बेंट ऐसे का और इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसर्स का, तो इनकी मदद से यूज़ किया जाएगा कि जल्दी से जल्दी जो है इनकी मदद से जल्दी जो बैक्टीरियल प्रोटीन है स्पूटम के अंदर हम लोग को देखने को मिलते हैं तो उसको जल्दी से जल्दी डिटेक्ट करके ये पता लगाया जा सकेगा कि किसी पर्सन को ट्यूबरकुलोसिस है कि नहीं है। क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस से रिलेटेड पहले भी हम लोग काफ़ी सारे आर्टिकल देख चुके हैं कि उसका अर्ली डिटेक्शन नहीं होता जिसके कारण से लोग बाग जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। आज की डेट में गाइस एंटीबॉडीज़ के यूज़ से हम लोग जो है वो डिटेक्ट कर पा रहे हैं ट्यूबरकुलोसिस को, राइट? बट अब बोला जा रहा है कि अब कुछ इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसर और एप्टेमर लिंक्ड इमोबलाइज्ड सॉर्बेंट ऐसे की मदद से डिटेक्ट किया जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा देखने को मिल रहा है कि ऑटिज्म जो है उसको मॉनिटर करने के लिए एक नया टूल जो है वो डेवलप कर दिया गया है। तो अक्सर कई सारे डॉक्टर्स जो हैं गाइज इसको मिसडायग्नोस्ड कर देते हैं और उसके बाद एक बच्चे को जो है वो एज अ मेंटल डिसऑर्डर या फिर मेंटल रिटार्डेड पर्सनैलिटी जो है उसमें डिक्लेयर कर देते हैं कि उस बच्चे को जो है वो मेंटल डिसऑर्डर है, ऐसा बोल देते हैं। तो ये बोला गया है कि एक नया टूल जो है वो हम लोग को देखने को मिल रहा है जो कि मॉनिटर करेगा कि एक बच्चे के अंदर ऑटिज्म को, तो ऑटिज्म को मॉनिटर करने की यहाँ पर बात की जा रही है, राइट? इसके अलावा अल्जीमर की बात करें फ्रेंड्स, तो ये भी काफ़ी बार हम लोग को न्यूज़ में देखने को मिली थी कि अल्जीमर और हंटिंगटन पेशेंट जो होते हैं गाइस, तो उनके लिए जो साइंटिस्ट हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के, उन्होंने बेसिकली उनकी मेमोरी डेफिसिट जो डेवलप होती है जब वो अपनी मेमोरी खोने लगते हैं, तो जिस स्टेज में वो अपनी मेमोरी खोने लगते हैं तो गाइस उस चीज़ का उन्होंने पता लगाना शुरू कर दिया है। उन्होंने ये फाइंड आउट किया है कि उनकी बॉडी में एक प्रोटीन जो होता है वो ब्रेक डाउन होने लगता है जिसका नाम है एफ एक्टिन या फिर इसको फेब्रिलर एक्टिन भी बोलते हैं, जिसके कारण से ब्रेन जो है गाइस वो कम्युनिकेशन की क्षमता जो है वो खोने लगता है और इसके कारण से वो मेमोरी जो है वो मेमोरी डिफेक्ट जो है उसका होने लगता है, यानी कि मेमोरी लॉस जो है वो उसका होने लगता है। अल्जीमर जो है गाइस वो बोला जाता है कि कॉमन है ओल्ड एजेस के दौरान, काफ़ी सारे जो बुजुर्ग होते हैं उनको अल्जीमर वाली प्रॉब्लम होती है। तो इस प्रॉब्लम जो है उसकी शुरुआत कैसी होती है इसका पता लगाया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के द्वारा, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, एफ एक्टिन, राइट? इसके अलावा ग्रीन टेक्निक गाइस उसकी बात की गई है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो हम लोग देखते हैं, तो इससे क्या होता है नदियों में काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, कई सारे जो रिवर्स वगैरह हैं, पॉन्ड्स वगैरह हैं, लेक्स वगैरह हैं, तो इसमें श्रद्धालु जो होते हैं वो माता जी की या गणेश वगैरह जी की मूर्ति को जो है वो विसर्जित करते हैं, तो इस समय हम लोग क्या देखते हैं कि ऐसे जो आइडल्स वगैरह बनते हैं, ऐसी मूर्तियां जो बनती हैं गाइस, तो वो बनती हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की, जो कि वाटर बॉडीज़ को क्या करती हैं, वाटर बॉडीज़ को बहुत बड़े लेवल पर नुकसान पहुंचाती हैं। तो पुणे के नेशनल केमिकल लेबोरेटरी के कुछ साइंटिस्ट के द्वारा ये चीज़ डेवलप की गई है जिसके थ्रू प्लास्टर ऑफ पेरिस को जो है वो रिसाइकल करने की बात की गई है, इसको रिसाइकल करके एज अ इको फ्रेंडली और इकोनॉमिकली वे के तौर पर जो है वो यूज़ किया जाएगा, ऐसा बोला जा रहा है। तो इसका रिसाइकलेशन जो है वो हम लोग को देखने को मिल गया है, तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना है। इसको रिसाइकल करके एज अ अमोनियम सल्फेट और कैल्शियम बाइकार्बोनेट में जो है वो कन्वर्ट किया जाएगा, जिसको जो है वो बेहतर तरीके से यूज़ किया जा सकेगा। दोस्तों, नेक्स्ट यूज़ में बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पर ये चीज़ सामने आई है कि स्टोन एज का टूल जो है वो डिस्कवर हुआ है चेन्नई के एक विलेज में। तो दोस्तों, ये सजेस्ट करता है कि जो मिडिल पैलियोलिथिक कल्चर है वो इंडिया में प्रेजेंट था 385,000 साल पहले,
जो कि बोला जाता है, हम लोग बोलते हैं ना कि सबसे पहले ह्यूमंस जो है वो अफ्रीका रीजन के अंदर आए थे, यूरोप रीजन के अंदर आए थे, बट बोला जा रहा है कि उसी समय ह्यूमंस की शुरुआत जो है, यानी स्टोन एज टूल या फिर स्टोन एज की शुरुआत, वो इंडिया में भी हम लोग को देखने को मिल रही थी। तो ये वाली चीज हमारे सामने आई है। इस पर्टिकुलर जो स्टोन एज टूल की डिस्कवरी ने, जो आज की डेट में जो हम लोग थ्योरी देखते हैं कि जहां पर अफ्रीका और यूरोप के अंदर ही ह्यूमंस जो है उसका हम लोग को देखने को मिला है, तो उस थ्योरी को जो है इसने चैलेंज किया है यहां पर। तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। इस जो आज की डेट की पॉपुलर थ्योरी है ना कि जो मिडिल पैलियोलिथिक एज जो है वो इंडिया के अंदर मॉडर्न ह्यूमंस के द्वारा जो है वो लाई गई थी अफ्रीका से 125,000 साल पहले, तो बोला जा रहा है कि 325,000 साल पहले ह्यूमंस यहां पर इंडिया में भी मौजूद थे। तो चेन्नई के एक विलेज में स्टोन एज टूल्स जो है वो डिस्कवर हुए हैं। तो ये हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से आप काफी इंपॉर्टेंट चीज, काफी इंपॉर्टेंट एंशियंट हिस्ट्री का करंट अफेयर जो है वो हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो इसके अलावा देखने को मिल रहा है सिक्किम को एक रियल टाइम लैंडस्लाइड वार्निंग सिस्टम मिल गया है, जिसको सेट किया है सिक्किम दार्जिलिंग बेल्ट नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयस पे। तो ये वाली चीज हम लोग को ध्यान में रखनी है फ्रेंड्स। यहां पर करीब 200 से ज्यादा सेंसर्स हम लोग को देखने को मिलेंगे जो कि रियल टाइम बेसिस पर यह बता पाएंगे कि वहां की स्थिति कैसी है, कहीं वहां पर सिस्मिक एक्टिविटीज होने की संभावना तो नहीं है, कहीं वहां पर किसी प्रकार की लैंडस्लाइड होने की संभावना तो नहीं है। और फ्रेंड्स 24 घंटे पहले जो है एडवांस में पता लगाया जा सकेगा अब कि सिक्किम के अंदर कहीं लैंडस्लाइड तो नहीं हो रही है या फिर कहीं अर्थक्वेक वगैरह तो नहीं आने वाला है। तो 24 घंटे पहले जो है इसकी वार्निंग जो है वो दे दी जाएगी। और फ्रेंड्स इसको, इस पर्टिकुलर सिस्टम को जो है वार्निंग सिस्टम, इसको ये केरला के अमृता यूनिवर्सिटी और सिक्किम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के रिसर्चर्स के द्वारा जो है वो यहां पर डिप्लॉय किया गया है, लगाया गया है। दोस्तों इसके अलावा देखने को मिल रहा है कि इंडिया जो है उसने फोर्थ पोजीशन जो है वो हासिल कर ली है यूनाइटेड किंगडम, जापान और यूएसए के बाद। तो किस टर्म में गाइस, तो इसने क्या किया है, इसने अभी रिसेंटली हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग जो है, कंप्यूटिंग पावर इंडिया की, उसको बढ़ा दी है 6.8 पेटाफ्लॉप जो है वो कर दी है, जिसके थ्रू इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी जो है वो हम लोग को कुछ समय पहले देखने को मिला था कि उसने अपनी कंप्यूटिंग कैपेसिटी जो है उसको बढ़ा दी है। मेट्रोलॉजी की बात कर रहा हूँ यानी कि वेदर फोरकास्टिंग की। इंडिया ने क्या किया है, अपनी वेदर फोरकास्टिंग की कैपेसिटी जो है वो बढ़ा दी है, जिसके कारण से इंडिया फोर्थ पोजीशन पर आज की डेट में स्टैंड कर रहा है आफ्टर यूके, जापान एंड यूएसए। दोस्तों यहां पर बात की जा रही है कि साइंटिस्ट ने सिल्क पॉलीमर का यूज करते हुए एक आर्टिफिशियल वर्टिबल डिस्क जो है वो बना दी है, जिसके थ्रू आने वाले समय में बोला जा रहा है कि ये डिस्क रिप्लेसमेंट थेरेपी में जो है वो बहुत काम करने वाली है और इससे लोगों के पैसे जो है वो सर्जरी के काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगे। आर्टिफिशियल डिस्क आती है गाइज, वो काफ़ी ज़्यादा महंगी होती है और ये सिल्क पॉलीमर डिस्क जो होगी वो काफ़ी सस्ती होगी, जिससे सर्जरी कॉस्ट जो है उसमें लोगों को काफ़ी फायदा मिलने वाला है। तो ये वाली चीज़ हम लोग को देखने को मिली है। इसको डेवलप किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी के साइंटिस्ट के द्वारा, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। सेकेंडली बात करते हैं फ्रेंड्स, तो देखिए आज की रेट में आर्सेनिक एक्यूमुलेशन जो है वो राइस ग्रेन्स में जो है वो हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो इस प्रॉब्लम को एड्रेस करते हुए लखनऊ के CSIR नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक ट्रांसजेनिक राइस जो है गाइस उसको डेवलप किया है, जिसके थ्रू उन्होंने एक नोवल फंगल जीन उसमें इंसर्ट किया है, जिसके द्वारा अब राइस में हम लोग को किसी भी प्रकार के जो हम लोग देखते हैं कि जो फंगस वगैरह हो जाते हैं कि राइस वगैरह क्रॉप के अंदर फंगल इन्फेक्शन लग जाता है, तो ऐसे फंगल इन्फेक्शन जो है, आर्सेनिक एक्यूमुलेशन जो है वो नहीं होंगे, बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने मिक्स कर दिया है एक नोवल फंगल जीन को राइस, ट्रांसजेनिक राइस के साथ। तो ये वाली चीज़ हम लोग को देखने को मिल रही है। तो एक देखिए, एक जेनेटिक इंजीनियरिंग में एक और चीज़ हमारे सामने यहाँ पर नजर आ रही है, जो हम लोग ने एक पहले पढ़ी थी बनाना वाली, और दूसरी ये हम लोग को देखने को मिली है। दो चीज़ हम लोग को जेनेटिक इंजीनियरिंग में देखने को मिल रही है। सेकेंडली फ्रेंड्स, तेरी स्कूल ऑफ एडवांस स्टडीज जो है उसने एक अर्ली फ्लावरिंग ट्रांसजेनिक वेराइटी ऑफ मस्टर्ड जो है उसको डेवलप कर दिया। देखिए तीन जेनेटिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड चीज़ हम लोग को यहाँ पर देखने को मिली है। तो दिस इज द कंप्लीट गाइज न्यूज अबाउट साइंस एंड डिस्कवरी जो कि इस साल हम लोग को देखने को मिली थी एक मेजर लेवल पर। ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली प्रीलिम्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको ध्यान से देखिएगा, साइंस एंड टेक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें से एक आधी तो जरूर बनेगा। दोस्तों अब कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहले तो उन पांच क्वेश्चंस के मैं आपको आंसर बताता हूं जो मैंने आपसे कल पूछे थे। तो फ्रेंड्स, इंडियन रेलवेज को सबसे ज्यादा नंबर ऑफ अवार्ड जो है, यानी कि हाईएस्ट नंबर ऑफ अवार्ड जो है वो मिला है नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड्स 2018 में। तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अनाउंस किया गया था गाइस एक अवार्ड का नाम, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जो है वो अवार्ड जो है वो हम लोग को देखने को मिलेगा। तो ये उनको दिया जाएगा जो पर्सनालिटी होंगी नेशनल इंटीग्रेशन में जो मदद करेंगी, यानी कि यूनिटी के लिए जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो माने जाते हैं,
तो ऐसी कोई पर्सनालिटी जो यूनिटी के लिए जो है वो जानी जाएगी, तो उस पर्सनालिटी को जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का अवार्ड जो है वो दिया जाएगा। तो ये वाली चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, उनके नाम से अवार्ड दिया जाएगा। दीपाली बोर ठाकुर, तो गाइज इनका नाम आप लोग को ध्यान में रखना है, हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई है। ये असम की नाइट एंगल जो है वो कहलाती थी, राइट। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो मणिपुर स्टेट असेंबली के द्वारा रिसेंटली एंटी मोब वायलेंस बिल जो है वो पास किया गया है। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें तो फ्रेंड्स पंजाब में हम लोग को 106th इंडियन साइंस कांग्रेस जो है वो देखने को मिलेगी दिसंबर फर्स्ट वीक में, जनवरी 2019 के फर्स्ट वीक में जो है ये कंडक्ट किया जाएगा 106th इंडियन साइंस कांग्रेस को। अब गाइज उन पांच क्वेश्चंस के आंसर क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूं, जिसके आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख के बताने हैं। तो फ्रेंड्स अभी रिसेंटली किस कंट्री के द्वारा डिसाइड किया गया है कि वो इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन से जो है वो विड्रॉ करेंगी, तो ये वाली चीज बताइए। सेकेंड क्वेश्चन में बात की जा रही है कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल स्कूल्स जो है उसकी शुरुआत करी है रूरल एरियाज में। थर्ड क्वेश्चन की बात करें गाइस तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली डिसाइड किया है कि वो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट्स को रीनेम करेंगी, यानी कि उसका नाम चेंज करके जगन्नाथ आश्रम जो है वो रखेंगी, तो ये वाली चीज बताइए। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री अभी 7th नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड 2019 जो है वो ऑर्गेनाइज करवा रही है। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें कौन सी ट्राइबल कम्युनिटी है तमिलनाडु की जो कि सेलिब्रेट कर रही है दोस्तों 2018 की हेदयाई मन फेस्टिवल को, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। आपको पता होना चाहिए हेदयाई मन फेस्टिवल जो है किस ट्राइबल कम्युनिटी के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि अभी रिसेंटली तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जा रहा है। ये तमिलनाडु की ट्राइबल कम्युनिटी है, इसके बारे में आपको बताना है। तो गाइस इन पांच क्वेश्चंस के आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख के बताना है। और फ्रेंड्स ये जो लिंक है ये हमारे फ्री स्टडी ग्रुप्स की लिंक यहां पर मौजूद है और नीचे डिस्क्रिप्शन पर भी इसकी लिंक्स मौजूद है जो कि आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे फ्री स्टडी ग्रुप्स को, जहां पर आपको फ्री स्टडी मटेरियल्स मिलता है और साथ ही साथ फ्री में वीडियोस की अपडेट्स भी आपको मिलती है। और फ्रेंड्स ये वाला जो वीडियो है ऑल इन वन करेंट अफेयर्स का वीडियो जो अभी आप देख रहे हैं, इस वीडियो की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में हम लोग इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं और वो सिर्फ हमारे पेड ग्रुप मेंबर्स के लिए ही अवेलेबल है। और पेड ग्रुप से रिलेटेड जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिए गए एक नंबर पर आप व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम के थ्रू जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।